हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एसआर बजरंग। गाइस, यदि आपने आज के इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया, कंप्लीट वॉच कर लिया शुरू से लेके एंड तक, तो आप कंप्यूटर में मास्टर बन जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि गाइस, आज के इस वीडियो में आपको कंप्यूटर बिल्कुल शुरू से सिखाने वाला हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एडवांस तक चीज़ें सिखाने वाला हूं। यदि आपको कंप्यूटर आता है तो आपको थोड़ा वेट करना, आगे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी शायद आज से पहले आपने देखी नहीं होगी। और यदि आप नए हैं, आपको कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता, तब भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस क्लास को देख के, इस वीडियो को देख के कंप्यूटर में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। आज से गाइस, मैंने करीब यहाँ पे 2.5 साल पहले एक वीडियो अपलोड किया था, वो मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो था, जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी थी, जिसमें आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा उस पर प्यार दिखाया, बहुत अच्छा उस पर रेस्पॉन्स आया था। उस पर आज की डेट में बात करें तो उस पर व्यू की बात करें तो उस पर यहाँ पे 4.7 मिलियन व्यू आ चुके हैं। तो आपने उस पर काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया था। वैसे उसी की वीडियो अपडेट है, उसमें मैंने चीज़ें सिखाई थी और इसमें चीज़ें मैंने बहुत सारी अपडेट की हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो यदि आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं राहुल कुमार, स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल जी एसआर बजरंग में। दोस्तों, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में बेल आइकन बाकी ऑल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि इस तरीके की और वीडियो बनाओ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कंप्यूटर कोर्स, उसकी यदि आप PDF चाहते हैं बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना, तो आप सिंपली हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको सिंपली गूगल में टाइप करना होगा www.gsrbajrang70.com, तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको वहाँ पे दिखाई देगा PDF डाउनलोड। PDF डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आप वहाँ पे फ्री में आप कंप्यूटर के बेसिक PDF डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्यूटर के मास्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं आपको कंप्लीट सिखाने वाला हूँ कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, कंप्यूटर बिल्कुल शुरू से A to Z जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, जैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ओपन करोगे तो आपके सामने जो फर्स्ट इसका इंटरफेस आएगा, वो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। दोस्तों, आइए इसके इंटरफेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ओपन करते हो तो आपके सामने जो फर्स्ट इसकी स्क्रीन आती है, देख सकते हैं इस तरीके से। गाइस, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन। और जो आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर आप यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर दिखाई देते, देख सकते कंप्यूटर रिसाइकिल बिन है, कंप्यूटर बेसिक वगैरह, MS वर्ड वगैरह, ठीक है, और इस तरीके से फोटोशॉप वगैरह, क्रोम वगैरह। गाइस, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप आइकन। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप आइकन। और गाइस, आप नीचे देखेंगे तो आपके यहाँ पे इस तरीके से एक पट्टी दिखाई दे जाएगी सबसे नीचे, इस तरीके से। ब्लैक भी हो सकती है, ये आपके हिसाब से हो सकती है, जिस तरीके से आप यहाँ पे कलर करना चाहते हैं वो आपके हिसाब से हो सकती है। गाइस, इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? टास्क बार। और टास्क बार पर आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे जाएगी, टाइप हेयर टू सर्च। आप सिंपली इसको ऊपर यहाँ पे क्लिक करके जो भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपन करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, वो आप सिंपली यहाँ पे लिख के कीबोर्ड से सर्च कर सकते हैं। और गाइस, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक चीज़ और मिल जाएगी, देख सकते हैं इस तरीके से स्टार्ट बटन। ये विंडो 7 में भी हो सकता है, विंडो 10 में भी हो सकता है, ठीक है। और कोई भी विंडो यहाँ पे होती है उसमें कुछ हार्ड होता है, यानी जब भी आप अपने कर्जर को नीचे लेके आएंगे तब आपको यहाँ पे शो करेगा। तो दोस्तों, मेरे पास है विंडो 10 है, तो मैं आपको विंडो 10 में यहाँ पे सिखा रहा हूँ, लेकिन जो सेम तरीका रहता है विंडो 7 है उसमें भी सेम तरीका रहेगा। जो मैं आपको विंडो 10 में सिखा रहा हूँ वही आपको 7 में देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है। तो आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके, यही आपका क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है। इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग में जा सकते हैं, ठीक है, सेटिंग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को पावर ऑफ कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आपको इंटरफेस के बारे में तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो गाइस, आइए और भी चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं। तो गाइस, आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको कुछ और भी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगी इंटरनेट कनेक्शन। आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और आप जो भी आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट को ओपन करेंगे, खोल के रखेंगे, तो आप अपने मोबाइल से यहाँ पे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यदि आपके पास लैपटॉप है तो आपके लैपटॉप में यहाँ पे ऑटोमेटिक आइकन आता है, ठीक है, जो आपके यहाँ पे टावर से बने आते हैं उस तरीके से आता है। लेकिन यदि आपके पास PC है तो आपको एक सॉकेट यहाँ पे वाईफाई वाला यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा, वो आपको अपने PC में लगाना पड़ेगा, तभी आप अपने मोबाइल से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी होगी।
और गाइस इसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा इस तरीके से स्पीकर का। आपने यदि मान लो इसमें स्पीकर कोई भी अटैच करके रखे हैं तो आप सिंपली अपने वॉल्यूम को यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। आप सिंपली लैंग्वेज को ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश वगैरह इस तरीके से मिल जाएगी। यदि आपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप में हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे इंस्टॉल करके रखी तो आपको यहाँ पे हिंदी भी शो कराएगा। और इसके जस्ट बगल में आपको कुछ टाइम वगैरह मिल जाता है। इसके जस्ट बगल में और देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस बॉक्स मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे और भी सेटिंग मिल जाती है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई देगा नाइट मोड, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके और आप जो भी कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं तो उसकी स्क्रीन थोड़ी यहाँ पे रेड सी हो जाती है। इससे क्या होता है, हमारे जो आई होती है ना, जो हम चलाते हैं कंप्यूटर, ठीक है, हमारे आई पर थोड़ा कम इफेक्ट पड़ता है, आपकी जो डायरेक्ट यहाँ पे रोशनी नहीं जाती। तो आप सिंपली इसको लगा सकते हैं। और भी आपको चीज़ें मिलेंगी, एरोप्लेन मोड मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और आपको सिंपली यहाँ पे ऑल सेटिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो होगी कंप्यूटर के इंटरफेस की बात। यदि आप विंडो 7 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है जो मैंने आपको विंडो 10 में बताई है उससे कम चीज़ें देखने को मिलें। तो आप ये मत कहना कि आपने यहाँ पे बता दी हमारे में शो नहीं कर रहा, तो आपको इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। और गाइस हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट वाले चीज़ के बारे में, जो आपके यहाँ पे इस तरीके से कर्जर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपको एरो बना हुआ तीर सा, गाइस इसको बोलते हैं कर्जर। क्या बोलते हैं? कर्जर, ठीक है। ये माउस होता है, माउस का आपका ये कर्जर होता है। और गाइस मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ और बताने वाला हूँ। देखो आपने इंटरफेस के बारे में तो समझ लिया, गाइस अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में, यानी कंप्यूटर हमारा एक तरीके से होता क्या है। तो मैं सिंपली अपने यहाँ पे एक देख सकते हैं पीडीएफ मैंने यहाँ पे बना के रखी है, ताकि गाइस मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, यदि आपने कंप्यूटर को कभी नहीं चलाया, कभी भी हाथ नहीं लगाया, कभी भी आपको आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर में, तो आप इस वीडियो को देख के कंप्लीट सीख सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों मैं आपको बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ इसीलिए, और जिन लोगों को कंप्यूटर आता है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आगे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने शायद है आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना है, ऐसा नहीं गाइस आप यहाँ पे वीडियो को छोड़ के चलाएं। यदि आपको कंप्यूटर मास्टर बनना है तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में, देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख के रखी ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। तो गाइस मैंने अपनी लैंग्वेज यहाँ पे लिख के रखा है ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से सही तरीके से समझा सकूँ। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना। अंत कंप्यूटर का अर्थ है गणना करने वाली मशीन। अंत इसे बोलचाल की भाषा में कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है, लेकिन अब कंप्यूटर का उपयोग गणना तक सीमित नहीं है। आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्रों में हो रहा है। यह एक ऐसा उपकरण है जो अपनी मेमोरी में उपस्थित निर्देशों पर काम करता है। कैसे मैं आपको बता दूँ, इसको आप कोई भी निर्देश देंगे तभी ये काम करेगा, ये अपने आप काम नहीं करता है, निर्देशों पर काम करता है। कंप्यूटर में जो डाटा डाला जाता है उसे इनपुट कहते हैं। देखो अभी आपको पता नहीं होगा इनपुट हमारा क्या होता है, लेकिन आगे मैं आपको समझा दूंगा। जो भी आप कंप्यूटर में डाटा डालेंगे उसको हम इनपुट कहेंगे। जैसे आपने किसी के थ्रू कंप्यूटर में डाटा पहुंचाया, जैसे आपने कीबोर्ड के थ्रू कुछ यहाँ पे लिखा तो वो इनपुट हो गया, आपने पेन ड्राइव के थ्रू उसमें कुछ डाला वो इनपुट हो गया, इस तरीके से हमारा इनपुट होता है। तथा प्रोसेस किए गए परिणाम को आउटपुट कहते हैं। जैसे आपने कुछ भी डाटा डाल दिया, जैसे आपने कोई वीडियो बनाई वो आपने पेन ड्राइव के थ्रू अपने कंप्यूटर में डाल दी, उसको तो गाइस हम बोलेंगे इनपुट। और वीडियो को आपने प्ले कर दिया, उसको देख रहे हैं आप, वो होगी आपकी आउटपुट, यानी प्रोसेस किए गए परिणाम को आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर को सामान्य भाषा में कहा जाए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इंसानों का काम आसान करती है। कंप्यूटर से हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं, वो भी बढ़िया तरीके से। कंप्यूटर से हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हाथों से करना मुश्किल हो जाता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। गाइस कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। जैसे आप इस कंप्यूटर से क्या क्या काम कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं, ठीक है, और आप सिंपली यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को तैयार कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। अभी तो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया, ऐसे बहुत सारे काम आप सिंपली अपने कंप्यूटर से कर सकते हो। गाइस नीचे आएंगे तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक सामान्य कंप्यूटर का यहाँ पे बना के रखा है, देख सकते हैं इस तरीके से, जैसा कि आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देखें आपके यहाँ पे एक कंप्यूटर यहाँ पे मिल जाएगा, सामान्य कंप्यूटर। जैसे ये हमारा मॉनिटर हो जाता है गाइस, इसके नीचे आएंगे तो आपका ये कीबोर्ड हो जाता है, ठीक है। कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है और मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है।
और आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये सीपीयू मिल जाएगा यानी सिस्टम यूनिट मिल जाएगा, और नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पे माउस मिल जाएगा, माउस ही हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। और गाइस नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने आप कुछ लगा के रखा है ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जूम कर लिया, अभी आप देखेंगे मैंने आपको समझा भी दिया था और मैंने इस PDF में भी दे दिया। इस PDF को आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, वो भी ये PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आप इस PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं, इंट्रो में दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था। अभी आप देखेंगे इसको हम कंप्यूटर आइकन बोलते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, और ये हमारा स्टार्ट बटन हो जाता है। और गाइस इतना इतना जो एरिया हमारा होता है ये वाला, ठीक है, नीचे ये गाइस हमारा टास्क बार होता है और हमारा ये होता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी आप यहाँ पे कोई बैकग्राउंड लगा के रखा है या आप सिंपली इसको डेस्कटॉप स्क्रीन बोल सकते हैं। और गाइस हम बात करते हैं जो हमारे कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है, इसको आपको पता होना चाहिए, यानी सी से हमारा क्या होता है कमॉनली, ओ से हमारा ऑपरेट यानी हम ऑपरेट कर सकते हैं, एम से एक हमारी मशीन हो जाती है, पी से पार्टिकुलरी, यू से आपकी यूज पोर, हम उसको यूज भी कर सकते हैं, टी से टेक्निकल, टेक्निकल में भी आता है, ई से एजुकेशन, एजुकेशन भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एजुकेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आर से हमारा रिसर्च, आप रिसर्च भी कर सकते हैं। तो गाइस ये तो हमारी कंप्यूटर की छोटी सी डेफिनेशन। अब गाइस हम बात करते हैं हमारे जो कंप्यूटर था कब बना था, किसने बनाया था और कब इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बारे में हम समझ लेते हैं, फिर हम अगली स्टेप और भी समझेंगे। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार। तो गाइस कंप्यूटर का आविष्कार वैसे तो आपको पता होगा चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था जिसे दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है, लेकिन कई लोगों द्वारा यह भी माना जाता है कि 1622 में एबकस जो कि टिम क्रेनर के द्वारा बनाया गया था वह दुनिया के का सबसे पहला कंप्यूटर था, लेकिन जो कंप्यूटर आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह सिर्फ चार्ल्स बेबेज की कोशिश के द्वारा ही संभव हो पाया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैसे तो कंप्यूटर के फील्ड में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी भूमिका दी है, जैसे पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार जोहन बैकलंडन ने किया था, जबकि लैपटॉप का आविष्कार एडम ऑस्कन ने किया था, लेकिन कंप्यूटर बनाने की प्रोसेस चार्ल्स बेबेज की थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें कोई भी इंग्लिश की जो मिस्टेक है, मिस्टेक हो जाए तो मिस्टेक मत समझना, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पे बोल रहा हूँ थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है बोलने में, द्वारा की शुरुआत की थी, इसलिए इसको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत 1830 के समय चार्ल्स बेबेज के द्वारा शुरू की गई थी। इन्होंने एक एनालिटिक इंजन बनाने की प्लानिंग की थी जो कि कंप्यूटर के फील्ड में एक शुरुआत थी। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था जो कि एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण इन्होंने इस काम को पूरा ना कर सके। गाइस मैं आपको बता दूं, शुरुआत तो चार्ल्स बेबेज ने की थी लेकिन पैसा की कमी यहाँ पे हो जाती है तो ये काम को पूरा नहीं कर पाते। और आज नीचे आप देखें 1871 में चार्ल्स बेबेज की मौत हो गई। इसके 40 साल बाद 1888 में चार्ल्स बेबेज के बेटे हेनरी बेबेज ने इस काम को पूरा किया। गाइस मैं आपको बता दूं, उनकी तो मौत हो जाती चार्ल्स बेबेज की, लेकिन शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन जो काम छोड़ गए थे उनके पिताजी, उनका बेटा यहाँ पे पूरा कर लेता है। तो गाइस इस बात को आपको याद रखना होगा। तो गाइस ये तो हमारे कंप्यूटर का परिचय जो मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया। गाइस अब मैं आपको और भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, उसके बाद गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर भाग के बारे में, यानी कंप्यूटर कितने भाग वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले हम गाइस बात करते हैं इसके बारे में, हमने यहाँ पे समझ लिया था कंप्यूटर की डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे समझ ली। अब गाइस हम बात करते हैं, जैसे मान लो आपका एक कर्जर है, कर्जर जो आपके डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पर यदि आप अपने कर्जर से जो आपका माउस से यदि आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं। गाइस ये काफ़ी ऑप्शन जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए गाइस मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूँ, बेसिक जानकारी मैं इसीलिए आपको दे रहा हूँ। इस तरीके की जानकारी गाइस बहुत ही कम वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस इस वीडियो का पूरा देखें, आगे भी आप बहुत चीज़ें सीख जाएंगे। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देख सकते हैं व्यू,
जो सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है वो आता है व्यू। व्यू के ऊपर आप सिंपली यहाँ पे ले जाएंगे अपने कर्जर को, तो आप यहाँ पे और भी ऑप्शन इसके अंदर दिखाई देंगे, जैसे लार्ज आइकन हो गया, मीडियम आइकन हो गया, स्मॉल आइकन हो गया, ऑटो अरेंज आइकन हो गया, अलाइन आइकन हो गया, ग्रिड शो डेस्कटॉप आइकन हो गया। तो आइए स्टेप बाय स्टेप करके सभी चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। गाइस पहला ऑप्शन आता है लार्ज आइकन। देखो लार्ज आइकन का मतलब क्या होता है, जो अभी आप यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहे हैं जैसे कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, इस तरीके से हमारे आइकन है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। यदि आप इनका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सिंपली माउस से यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा, इसके बाद आपको बी के ऊपर क्लिक करके और आपको सिंपली यहाँ पे अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से, ठीक है, माउस के लेफ्ट क्लिक से आपको यहाँ पे लार्ज आइकन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे लार्ज आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके जो भी आइकन होंगे वो आपका जो आइकन का साइज होगा इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यदि आप इसका साइज मीडियम करना चाहते हैं, मान लो स्मॉल करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो आपको अपने माउस से राइट क्लिक को करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक करना होगा, इसके बाद आपको जाना होगा मीडियम आइकन के ऊपर। देखो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो आपका माउस होता है, अभी मैं आपको माउस के बारे में और भी जानकारी दूंगा, लेकिन मैं आपको छोटी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके बाद गाइस मैं आपको प्रॉपर माउस के बारे में बताऊंगा, प्रॉपर कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा, अंगली, ठीक है, आगे स्टेप आएंगे उसमें। तो गाइस आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो मीडियम, यदि आप मीडियम के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से, ठीक है, माउस में तीन क्लिक होती हैं, एक तो बीच वाला होता है वो क्लिक नहीं होता, उसको गाइस हम क्लिक नहीं बोल सकते, वो हमारा होता है स्क्रॉल व्हील, उससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक आपकी लेफ्ट क्लिक होती है, एक आपकी राइट क्लिक होती है। ज़्यादातर जो माउस होता है हमारा, माउस की जो ज़्यादातर यूज होती है वो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक की यूज होती है। देख सकते हैं हमारा जो आइकन थे डेस्कटॉप के आइकन, कंप्यूटर के आइकन, वो यहाँ पे छोटे हो चुके हैं। और भी आप यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से, तो आप सिंपली व्यू पर जाएंगे तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखाई देगा, स्मॉल आइकन। यदि आप स्मॉल आइकन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपका जो भी कंप्यूटर के आइकन होंगे इस तरीके से छोटे हो जाएंगे। तो गाइस ये तीनों सेटिंग आपको समझ में आ गई होगी, तो सिंपली मैं मीडियम कर दूंगा। इसके बाद गाइस और भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑटो अरेंज आइकन, आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपके जो ऑटो अरेंज आइकन हो जाएंगे। और आपको नीचे ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है अलाइन ग्रिड, आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है, इनका यूज क्या होता है प्रॉपर। और भी गाइस आप नीचे आएंगे, व्यू के ऊपर जाकर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए, शो डेस्कटॉप आइकन। यदि मान लो आप ये अभी इस पर टिक लगाए, यदि आप इसको अनटिक कर देंगे अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से, तो अभी आपको यहाँ पे डेस्कटॉप यहाँ पे आइकन दिखाई देने ये वाले, ये यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है, आपके डिलीट नहीं होंगे, छुप जाएंगे। तो कैसे छुपा सकते हो आप, सिंपली व्यू के ऊपर क्लिक करोगे, आप सिंपली यहाँ पे इस तरीके से माउस से लेफ्ट क्लिक कर दोगे। जैसे मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक किया तो अभी आप देखें जो आपके डेस्कटॉप पर आइकन थे वो यहाँ से हट चुके हैं। इनको लाने के लिए आपको दोबारा से अपने माउस से राइट क्लिक करना है, इसके बाद आपको व्यू पर जाना है, इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा हो ऑप्शन शो डेस्कटॉप आइकन, आपको दोबारा से इसको टिक कर देना अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से, तो दोबारा से आपके आ जाएंगे, फिर से आपके सामने आ जाएंगे। गाइस इसके बाद और भी यहाँ पे सेटिंग आती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटिंग है, आपको थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, और भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आगे। सिंपली मैं दोबारा से यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने व्यू वाला ऑप्शन क्लियर हो चुका है। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है सॉर्ट बाय। अब देखो ये क्या होता है, तो गाइस मैं आपको तो इसके अंदर भी आपको दो तीन सेटिंग मिलेंगी, जैसे नेम, साइज, आइटम, डेट। तो देखो जो आपके आइकन है, जैसे अभी आप देखें जो आपका कंप्यूटर का आइकन है सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पर है, और आप देखेंगे जो आपके फोटोशॉप वाला वो सबसे नीचे आ रहा है। यदि आप इनको चेंज करना चाहते हैं, नेम बाय नेम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो देखो कंप्यूटर अभी हमारा यहाँ पे आ रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर, और सी से भी हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, इस तरीके से ये वाली फाइल हमारी सी से स्टार्ट हो रही है। यदि आप चाहते हैं जो सी वाले हैं एक साइड पर हो जाएँ, ए वाले एक साइड पर हो जाएँ, यानी नंबर बाय नंबर से आएँ, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट बाय के ऊपर क्लिक करेंगे और आप सिंपली नेम के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर से गाइस मैं यहाँ पे नेम के ऊपर क्लिक, देख सकते हो मैंने यहाँ पे नेम के ऊपर क्लिक कर दिया। दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे नेम के ऊपर क्लिक करूँगा तो अभी आप देखेंगे, देख सकते हो शुरुआत से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो यू से यहाँ पे जो हमारी फाइल है ये यू से स्टार्ट हो रही, तो यू वाले हमारे ये रहे, ठीक है, यू वाले, पी वाले, ठीक है, ओ वाले, एन वाले, देख सकते हैं एन वाले यहाँ से स्टार्ट हो गए, एन वाले यहाँ से स्टार्ट हो गए, ए वाले देख सकते हैं, ए एड ऑफ फोटोशॉप हो गया, एड ऑफ पेज मेकर हो गया, ए डी सी ए की फाइल होगी, ए पावर सॉफ्ट हो गया। अभी आप देखें जो हमारे अल्पा नंबर के हैं, जैसे ए से हमारी अलग आ रही है फाइल है, बी बी की अलग आ रही है, यानी नंबर वाइज नंबर आ रही है, तो आप ऐसे यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे देखो अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ, जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, सी वाली अभी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कंप्यूटर देखो सी वाली एक साइड में हो चुकी हैं। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं सॉर्ट बाय नेम यहाँ पे फाइल लगा सकते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप आइकन को नेम बाय नेम लगा सकते हैं।
इसके बाद और भी आपको यहाँ पे मिलेंगे साइज। यदि मान लो आप साइज के ऊपर क्लिक कर दें तो आप ये साइज बाय साइज लगा सकते हैं। जैसे आपकी ये वाली फाइल कितनी MB की है, 2 MB की है, ये वाली फाइल आपकी 2 MB की तो इसके पास यहाँ पे लग जाएगी, ये वाली फाइल आपकी 2 MB की तो इसके पास लग जाएगी, और ये मारे जो फोटोशॉप है मान लो 10 MB का है, मान लो 20 MB का, तो अलग लगेगा। यानी साइज बाय साइज लगा सकते हैं किसका कितना साइज है। इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सॉर्ट बाय के ऊपर, आपको दिखाई दूँ आइटम टाइप। यदि आप आइटम के ऊपर क्लिक करें तो इससे आइटम बाय आइटम आएंगे, जैसे कंप्यूटर आइटम हो गया हमारा, रिसाइकल बिन हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, इस तरीके से आपके आइटम बाय आइटम आएंगे। और भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं डेट मॉडिफाइड। देखो डेट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसका क्या होगा, जो सबसे पहले आपने कब इंस्टॉल किया था, जो क्रोम को आपका क्रोम को आपने कब डाला था, ठीक है, कंप्यूटर को आपने कब डाला था, तो इस तरह से डेट बाई डेट आएंगे कितनी डेट को डाला था। जैसे अभी आप ऊपर यहाँ पे कर्जर ले जाएंगे, थोड़ी देर रखेंगे तो आपको दिखाई भी दे जाएगा इसको हमने कब सेव किया था, दे सकते हैं इस तरीके से। तो गाइस ये चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई, मैं सिंपली नेम के ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद गाइस आपको तीसरा ऑप्शन जो मिलता है राइट क्लिक करने पर, वो आपको मिलता है रिफ्रेश। अब देखो रिफ्रेश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ओपन करते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को रिफ्रेश करना चाहिए। अब देखो रिफ्रेश आप कैसे करें, दो तरीके से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। पहला तरीका तो है आप सिंपली अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे दिखाई दे रिफ्रेश, आप सिंपली राइट क्लिक से भी कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक से भी कर सकते हैं। तो फिर से मैं इसके ऊपर ले जाके अपने कर्जर को राइट क्लिक कर दूंगा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। एक बार आपको सिंपली अपने माउस से रिफ्रेश करना, उसके बाद यदि आप अपने कीबोर्ड से रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आपके कीबोर्ड पर एक बटन यहाँ पे दिखाई देगा F5, तो मैं सिंपली F5 यहाँ पे दबा के रखूँगा, इस तरीके से देख सकते हैं, प्रेस करके रखूँगा और आपके जो भी डेस्कटॉप के आइकन होंगे वो यहाँ पे रिफ्रेश होते रहेंगे। तो दोस्तों इसका बेनिफिट क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बता दूँ, जिस तरीके से आप यहाँ पे सुबह फ्रेश होते हैं, जब तक आप यहाँ पे नहाते नहीं हैं, ठीक है, स्नान नहीं करते, तब तक आपका जो एकदम आपका शरीर अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार से दोस्तों आप जब भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ओपन करें तो आपको एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करना होगा, ठीक, एक बार नहीं यानी कि 2-3 बार तो आप करें ही रिफ्रेश। इससे क्या होगा, जो आपके कंप्यूटर की फाइलें वगैरह होती हैं, जो आपके वायरस वगैरह होते हैं छोटे मोटे, वो सही हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा रिफ्रेश का मतलब क्या होता है, एकदम फ्रेश, ठीक है। इसके बाद और भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आपको पेस्ट वगैरह मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट जो भी ऑप्शन उसके बारे में बात कर रहा हूँ। नीचे आप आएंगे तो आपके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा न्यू का। अब देखो न्यू मारा होता क्या है, तो गाइस जैसे आप न्यू के ऊपर क्लिक करें तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है इसके अंदर, वो मिलता है फोल्डर का। अब देखो फोल्डर मारे होते क्या, जैसे अभी आपके यहाँ पे डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहे फोल्डर, ठीक है, इसको आप फोल्डर बोल सकते हो और डेस्कटॉप आइकन बोल सकते हो। जैसे मान लो आपको डेस्कटॉप पर कोई भी एक नया फोल्डर बनाना है, नया फोल्डर क्रिएट करना है, तो आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे और आप सिंपली न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको सिंपली फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे न्यू फोल्डर यहाँ पे बन चुका है। अब देखो आपको इसको नेम चेंज करना है, जैसे न्यू फोल्डर आप यहाँ पे चाहते हैं मैं यहाँ पे सॉन्ग्स रखूँ, इसमें मैं सॉन्ग्स कॉपी करना चाहता हूँ, इसमें डालना चाहता हूँ, ठीक है, सॉन्ग्स यहाँ पे डालना चाहता हूँ मैं सिंपली। इसको रीनेम करने के लिए आपको क्या करना है, इसको जो आपका फोल्डर है इसके ऊपर आपको सिंपली अपने माउस से राइट क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना, आपको यहाँ पे दिखाई दे रीनेम, आपको सिंपली रीनेम को, सॉरी यहाँ पे डिलीट हो गया, मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा वापस आ जाएगा, मुझे रीनेम करना है, यहाँ पे डिलीट नहीं करना है, रीनेम के ऊपर क्लिक करूंगा ये रीनेम हो जाएगा। अब आपको अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस को प्रेस करके आप यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया सॉन्ग SONGS इस तरीके से, और आपको एंटर कर देना है। जैसे गाइस आप यहाँ पे एंटर करेंगे आप देखेंगे आपका जो फोल्डर तभी सकते हैं सॉन्ग्स का बन चुका है। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पे फोल्डर को बना सकते हैं। फिर से आपके यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन दिखाई देती है, जैसे आपको न्यू के ऊपर जाना, न्यू के ऊपर जाने के बाद आपको दिखाई देगा शॉर्टकट का। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो आप यहाँ पे किसी भी चीज़ का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, जैसे मान लो मेरे पास अभी यहाँ पे सॉन्ग्स का फोल्डर है, इसका मैं एक और शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ, डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, सॉरी मैं क्या करता हूँ, पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, फिर शॉर्टकट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। देखो आपके यहाँ पे एक नया शॉर्टकट बन चुका है, ठीक है, मैंने यहाँ पे हटा भी दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे शॉर्टकट बना सकते हो। गाइस इसके बाद आपके सामने और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे मैं न्यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे अब देखो और भी आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। इनका मतलब क्या होता है, देखो इनका मतलब ये होता है कि जो भी आपने में कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखा होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, एनिमेटेड हो गया, बिटमैप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा देता है, फोटोशॉप वगैरह हो गया, यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हो।
इसके बाद गाइस आप यहाँ पे डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने और भी ऑप्शन आते हैं, चलो उनके बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। तो गाइस और भी आपके सामने ऑप्शन आते हैं, डिस्प्ले सेटिंग। देखो डिस्प्ले सेटिंग के ऊपर आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे आप डिस्प्ले सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी सेटिंग आ जाती हैं। तो आइए एक एक करके सेटिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपके सामने आती है डिस्प्ले। तो सिंपली आप डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नाइट लाइट सेटिंग का। देखो इससे क्या होता है, ये ऑप्शन आपको विंडो 10 में ही मिलेगा, विंडो 7 में नहीं मिलेगा, ठीक है। विंडो 10 से ऊपर होंगे वर्जन उन्हीं में मिलेगा। तो मैं सिंपली इसको ऑन कर दूंगा, इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो अभी आप देखेंगे मेरी स्क्रीन ना थोड़ी थोड़ी यहाँ पे रेड हो चुकी है। इससे क्या होता है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करेंगे तो आपके आंखों पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप आसानी से काम कर सकते हैं। गाइस और भी आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखाई देते हैं, विंडो HD कलर सेटिंग। आप सिंपली इसको ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे और भी यहाँ पे कलर मिल जाएंगे, देख सकते हैं। आप सिंपली कलर को यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आप यहाँ पे साउंड का एक ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं इस तरीके से। गाइस और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देते स्केल एंड लेआउट, देखो इससे क्या होता है, इससे आप और भी चीज़ें कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट ऐप एंड अदर आइटम। देखो इससे यदि आपका ये 100% है तो आप यदि इसको हटा देंगे, जैसे 125% कर दें तो किस किस में चेंजिंग आएगी। देखो आपके यहाँ पे साफ साफ लिखा मिल रहा है चेंज द साइज, यानी आप साइज को चेंज कर सकते हो। जो भी आपका टेक्स्ट साइज, जैसे अभी यहाँ पे लिखा आ रहा है डिस्प्ले साउंड वगैरह, इसका साइज आप बढ़ा सकते हो। और जो भी आपके ऐप वगैरह हैं ऐप का साइज भी आप बढ़ा सकते हो, और भी अदर आइटम उनका भी साइज बढ़ जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे सिंपली 125 कर दूंगा, देख सकते हैं। जैसे मैंने 125 किया तो अभी आपको दिखाई देगा जो मेरा डिस्प्ले कितनी बड़ी आ चुकी है, साउंड वगैरह कितना बड़ा आ चुका है, जो भी लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट यहाँ पे कितना बड़ा आ रहा है। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको 100 कर दूंगा। जैसे मैं 100 करूँगा तो ये सही हो जाएगा। कैसे इसी तरीके से आपके यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले रेजुलेशन। देखो ये क्या होता है, मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करें, जो भी आपके डिस्प्ले का रेजुलेशन है जो आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से, यदि आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं यहाँ पे करूँगा इसको तो मेरा कंप्यूटर रिस्टार्ट होना चालू हो जाएगा, तो मैं इसको नहीं करता। गाइस नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पे मिलेगा डिस्प्ले ओरिएंटेशन। आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करके अपने डिस्प्ले को पोर्ट्रेट कर सकते हो, ठीक है, लैंडस्केप कर सकते हो, जिस तरीके से आप यहाँ पे करना चाहते हो वैसे आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो। गाइस और भी आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंपली साउंड के ऊपर क्लिक करके अपने साउंड की सेटिंग वगैरह कर सकते हो। नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे नीचे आते हो तो दोस्तों आपके यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो, चेंज बाय चेंज कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ से इसको बैक कर दूंगा। गाइस इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन दिखाई देंगे, देख सकते हैं पर्सनलाइज। आप सिंपली इसको ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारी सेटिंग आ जाती हैं, तो आइए एक एक करके यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे पहले सेटिंग आती है आपका बैकग्राउंड, मैं सिंपली बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपका जो यहाँ पे बैकग्राउंड लगा है देख सकते हैं इस तरीके से लगा है इंटेल वाला। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे और भी बैकग्राउंड मिल जाएंगे। जैसे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा बैकग्राउंड यहाँ सेट हो जाएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं सेट हो चुका है। तो गाइस इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला मैंने लगा दिया, ठीक है, और मैं इसको लगाना चाहता हूँ वापस से फिर से, तो ये वाला मेरा ये विंडो वाला लग चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे दिखा देगा पिक्चर, आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करके सॉलिड कलर ले सकते हैं, यहाँ से स्लाइड शो ले सकते हैं। गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि मान लो आप विंडो 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप विंडो 10 फ्री वाली कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देंगे, ये ऑप्शन पर लॉक बना हुआ आएगा। जब आप अपने विंडो को एक्टिवेट कर लेंगे तब ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, ठीक। और भी नीचे आपको ऑप्शन दिखा दें ब्राउज का, आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके जो भी आप और भी इमेज यहाँ पे लगाना चाहते हो, जैसे आपने कोई भी इमेज अपना इमेज है उसको आप लगाना चाहते हो वो आप सिंपली यहाँ से लगा सकते हो। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चूज ए फिट, आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दें तो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन को जो आप यहाँ पे इमेज लगा रहे हैं बैकग्राउंड लगा रहे हैं वो आप टुकड़ों में लगाना चाहते हैं, ठीक है, बीच में लगाना चाहते हैं तो वो उस हिसाब से आपके यहाँ पे दिखाई देंगे ऑप्शन, देख सकते हैं टिल्ड वगैरह, स्क्रेच वगैरह, सेंटर वगैरह, स्पैम वगैरह, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। गाइस और भी आपके यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, कलर का ऑप्शन मिलता है, लॉक स्क्रीन का मिलता है। नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट का, फॉन्ट भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे ऑप्शन मिलता है आपको टास्क बार का, मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, इससे क्या होगा जो आपके यहाँ पे नीचे टास्क बार मैंने आपको शुरुआत में बताया था उसकी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आप लॉक द टास्क बार, अभी आपका लॉक टास्क बार है, मैं सिंपली इसको अनलॉक कर दूंगा तो अभी आप देखेंगे आपका जो टास्क बार है अभी आपका नीचे जाने लगेगा, अब अपने कर्जर को ले जाएंगे तब ऊपर आएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, मैं लॉक कर दूंगा तो आपका टास्क बार यहाँ पे लॉक रहेगा। और भी आपके यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग मिल जाती हैं।
तो गाइस मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। गाइस देख सकते हैं हमारे जो राइट क्लिक करते हैं अपने डेस्कटॉप पर जो भी ऑप्शन आते हैं उसके बारे में गाइस मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। तो आइए और भी ऑप्शन के बारे में यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लो आपके ऐप हैं, इस तरीके से आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं, डेस्कटॉप आइकन दिखाई दे रहे हैं। मान लो यदि आप इनमें से किसी भी डेस्कटॉप आइकन को ओपन करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो? तो इससे ओपन करने से पहले गाइस मैं आपको माउस के बारे में, कीबोर्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी बताया, तो उसके बाद गाइस मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो मैं अपनी PDF में आ चुका। PDF में आने के बाद हम गाइस यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब गाइस बारी आती कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर कितने भागों में बटा होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर हमारा देख सकते हैं इस तरीके से बटा होता है निम्न भागों में। नंबर एक आपका आता है मॉनिटर। देखो मॉनिटर आपका कौन सा होता है, मॉनिटर गाइस मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर आप अपनी PDF को यहाँ पे रीड कर सकते हो। मैं आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है, डाउनलोड करके आप इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें। तो अभी आप देखें कंप्यूटर आपके जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका CRT मॉनिटर। ये गाइस जो CRT मॉनिटर है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, ये सबसे पहले चलता था। यानी आपने देखा TV जैसा ही मॉनिटर होता है, बहुत ही भारी मॉनिटर होता है, ठीक है, लाइट भी बहुत ही कंज्यूम करता है। इसके बाद गैस में जो नंबर दो पे आता है वो आता है LCD मॉनिटर। सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत लग गया गैस में आपको, तो एडजस्ट आप कर लेना, मॉनिटर की जगह मॉनिटर लग गया है, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गैस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। ये गैस हमारा LCD वाला होता है, ये पहले चलता था, लेकिन अब जाए तो जो मॉनिटर आ रहे वो आ रहे LED वाले। आपने देखा होगा LED वाले मॉनिटर बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही थिंकलेस होते हैं, वो लाइट भी बहुत ही आपके यहाँ पे कम यूज करते हैं, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले मॉनिटर। गाइस इसके बाद आपने ये तो समझ लिया मॉनिटर हमारे तीन प्रकार के होते हैं। इसके बाद गाइस हम बात करते हैं CPU के बारे में। देखो CPU हमारा क्या होता है, तो CPU हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गाइस CPU प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। गाइस में आपको तो जो आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का जो मुख्य भाग होता है वो आपका CPU होता है। जिस तरीके से आपका जो बॉडी होती है, आपकी बॉडी का जो मुख्य भाग होता है वो आपके यहाँ पे जो क्या बोलते हैं सॉरी सिर होता है, हेड होता है, क्योंकि हेड में ही सोचने की क्षमता होती है, हेड से ही आप देखते हो, सब कुछ हेड से ही करते हो, अपने सिर से ही करते हो, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका CPU होता है, CPU से आप सब कुछ कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, जो भी डालोगे CPU में डालोगे, जो भी और भी बहुत सारी चीज़ होती है जो भी करोगे CPU से करोगे। तो CPU को मुख्य भाग माना जाता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क और हृदय भी कहा जाता है। गाइस मैं आपको बताऊँ, इससे जो कंप्यूटर का मस्तिष्क और हृदय कहा जाता है, कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली समस्त गणना इसी भाग में होती हैं। और CPU जो होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाने वाला, आप इसको रीड कर सकते हैं। पहला होता है मैन मेमोरी, ठीक है, दूसरा होता है अर्थमेटिक है लॉजिक यूनिट, तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। अब गाइस हम बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। अब गाइस हम कीबोर्ड के बारे में बिल्कुल जानकारी समझाएंगे सभी के बारे में, ठीक है। कीबोर्ड पर कितने बटन होते हैं, कीबोर्ड हमारा होता क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, सभी के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड। देखो कीबोर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं कुंजी पटल, ठीक है। और गाइस कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड से आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको तो आज के समय में जो कीबोर्ड होता है वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक कीबोर्ड। कौन सा चल रहा है, क्वाड्रेटिक कीबोर्ड बोलते हैं। ज़्यादातर जो प्रयोग किए जाते हैं कीबोर्ड वो किए जाते हैं क्वाड्रेटिक कीबोर्ड। अब देखो कीबोर्ड का एक सामान पर्चा मैंने यहाँ पे बना के रखा, दे सकते हैं इस तरीके से, ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। अब गाइस हम बात करते हैं कीबोर्ड को हम कितने भागों में विभाजित किया है हमने। कीबोर्ड में जो बटन होते हैं किस भाग को हम क्या क्या बोलते हैं, कितने भागों में बटन बटे हुए हैं। तो गाइस पहला होता हमारा टाइपराइटर, सॉरी यहाँ पे कट हो चुका, कोई दिक्कत नहीं, टाइपराइटर। देखो टाइपराइटर हमारा क्या होता है, यह कीबोर्ड का मध्य भाग होता है। इसमें सभी इंग्लिश लेटर ए से लेकर जेड तक और 0 से लेकर 9 तक और कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। तो गाइस कितना कितना एरिया हमारा होता है देख सकते हैं इस तरीके से, आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है इतना इतना एरिया। यानी आपके कुछ यहाँ पे ए से लेके जेड तक तो आपके यहाँ पे अल्पा नंबर की होती हैं। इसके बाद आपके यहाँ पे 1 से लेके 0 तक आपके यहाँ पे नंबर होते हैं और यहाँ पे कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। गाइस इसको हम क्या बोलते हैं, अल्पा नंबर की बोलते हैं, टाइपराइटर की बोलते हैं। गाइस नंबर दो पे आता फंक्शन की। फंक्शन की गाइस क्या होता है कीबोर्ड पर, देखो F1 से लेकर F12 तक कीबोर्ड की सबसे ऊपरी बटन होते हैं, उन जिन्हें फंक्शन की बोलते हैं। जैसे आप सबसे ऊपर कीबोर्ड पर देखेंगे देख सकते हैं इस तरीके से, आपके नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा हो इस तरीके से, यानी F1 से लेकर F1, F2, F3 इस तरीके से F12 तक, गाइस इसको बोलते हैं फंक्शन की। जो फंक्शन की हमारी होती है ये ज़्यादातर हमारी टैली में काम करती हैं। टैली में जब एंट्री करते हैं, वाउचर एंट्री करते हैं, उस समय इनका ज़्यादा
यूज होता है। गाइस नंबर तीन जो हमारा कीबोर्ड आता है, नंबर तीन पे जो आता है वो आता है नंबर कीपैड। अब देखो नंबर कीपैड आपका क्या होता है, किस भाग को बोलते हैं नंबर कीपैड कीबोर्ड पर, तो इसका उपयोग 0 से लेकर 9 तक संख्या भरने में किया जाता है। इसमें गुणा भाग जोड़ घटाव आदि के चिन्ह होते हैं जिन्हें नंबर कीपैड बोलते हैं। जैसे आपको नीचे दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं इतना था जो हमारा एरिया इतना इतना, ठीक है गाइस, इसको बोलते हैं नंबर कीपैड, जिसमें आपको यहाँ पे इस तरीके से नम लॉक मिल जाता है, माइनस गुणा इनटू वगैरह मिल जाता है, और 1 2 3 इस तरीके से आपको मिल जाते हैं। गाइस नंबर 4 पे आपका आता है कर्जर मूवमेंट। अब देखो कर्जर मूवमेंट आपका होता क्या है, तो गाइस मैं आपको बता दूं, इसमें तीर के निशान होते हैं जिनकी मदद से आप माउस के कर्जर को इधर उधर घुमा सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे इस तरीके से आपके कर्जर होते हैं, ये आपको 4 एरो के दिखाई दे रहे हैं, इसको गाइस मतलब कर्जर मूवमेंट। इससे आपका जो भी कर्जर होता है उसको आप इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं जो आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड पर हम किस बटन को क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो गाइस मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइस अभी आप देखेंगे हम कीबोर्ड पर आ चुके हैं, कीबोर्ड बेसिक की डायग्राम। तो अभी आप सबसे ऊपर देखेंगे जो आपके यहाँ पे कोने पर बटन मिलता है इस तरीके से, गाइस इसको बोलते हैं एक्सेप्ट बटन, यानी जिस पर लिखा होता है ESC। आप अपने कीबोर्ड पर, मैं वीडियो अभी बता रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, आप अपने कीबोर्ड को यहाँ पे रख के दी, आपके पास कीबोर्ड है तो आप उसको खोल के रखें तो आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। ESC गाइस इसको बोलते हैं एक्सेप्ट की, क्या बोलते हैं एक्सेप्ट की। और गाइस इससे नीचे एक ऑप्शन आपको आता है, देख सकते हैं इस तरीके से ये वाला बटन, ठीक है एक्सेप्ट के जस्ट नीचे गाइस इस तरीके से आपको मिलता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आपको आइकन मिलता है इस टाइप का, ठीक है उस बटन पर, यानी एक्सेप्ट बटन के जस्ट नीचे होता है गाइस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको गाइस हम बोलते हैं टिल्डे की। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बना के रखा, देख सकते हैं इस तरीके से गाइस, क्या बोलते हैं हम टिल्डे की, ठीक है। आपको देख के इसको सुन के हंसी आ रही है, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता कि इस बटन को हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं गाइस टिल्डे की। और गाइस इसके नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पे मिलेगा टैब बटन, इसको गाइस हम बोलते हैं टैब के। इसके नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पे मिलेगा कैप्स लॉक, इस पे तो लिखा हुआ आप पता कर सकते हैं। इसके नीचे आएंगे तो गाइस आपको मिलेगा शिफ्ट, इसको गाइस हम बोलते हैं शिफ्ट की। और इसके नीचे आएंगे तो आपके एक बटन यहाँ पे मिलेगा CTRL, क्या मिलेगा CTRL, इस बटन पर लिखा हुआ मिलेगा गाइस, इसको बोलते हैं कंट्रोल की, क्या बोलते हैं कंट्रोल की, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। गाइस इसके जस्ट बगल में देखेंगे तो आपके पे एक ऑप्शन मिलेगा, एक बटन और मिलेगा Alt, जिस पे लिखा हुआ Alt गाइस, इसको बोलते हैं Alt की। और गाइस कीबोर्ड पर आपको सबसे बड़ा बटन मिलेगा, देख सकते हैं इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा हो कीबोर्ड पर सबसे बड़ा बटन, ये वाला बटन गाइस, इसको बोलते हैं स्पेस बार, क्या बोलते हैं स्पेस बार। इससे हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ें लिख रहे हैं, तो हम सिंपली इसको प्रेस करेंगे तो वहाँ पर स्पेस हो जाएगा। ये चीज़ें गाइस हम आगे समझाएंगे। और गाइस आप यहाँ पे इस तरीके से और भी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे ये बटन आप देखेंगे इस तरीके से बटन कीबोर्ड पर, ठीक है गाइस, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना के भी रखा है ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से सभी के बारे में समझा सकूँ। गाइस हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन, लेस देन हम इसको बोलते हैं गाइस, और ग्रेटर देन हम इसको बोलते हैं, इस ए वाले को बोलते हैं। इसके बाद गाइस आप यहाँ पे मिलेगा ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। देखो आपके कीबोर्ड पर यहाँ पे दो प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से एंटर के जस्ट बगल में, एक तो आपको ब्रैकेट मिलता है इस तरीके का, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ब्रैकेट, इसको गाइस हम बोलते हैं ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है इसको गाइस हम बोलते हैं ब्रैकेट। और आपको एक मिलेगा इस तरीके से गाइस, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा गाइस, और भी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पे 4 एरो की मिल जाती है इस टाइप की, इसको गाइस हम बोलते हैं एरो की। और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज अप पे डाउन के बटन मिल जाते हैं गाइस, इस ये आप देख भी सकते हैं आसानी से। और भी चीज़ें गाइस आपको मिलती है, जैसे आपको मेन चीज़ें और मैं आपको समझा दूँ, जैसे आपको मिलेगा यहाँ पे हैज, आपको 3 नंबर जो आपको ऊपर दिखाई दिया इस टाइप का गाइस, इसको मिलते हैं हैज की। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे @@ मिल जाएगा, ठीक। और आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों, ये वाला हमारा ये इस तरीके से आपको साइन होता है गाइस, इसको मिलते हैं फॉरवर्ड की, क्या बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। और गाइस ये वाला होता है, देखो एक तुम्हारा ये वाला हो गया इस टाइप का, और एक होता है आपका इस टाइप का, ऐसे होता है, ठीक है गाइस, इसको बोलते हैं बैक स्पेस, क्या बोलते हैं बैक स्लैश बोलते हैं, ठीक है क्या बोलते हैं बैक स्लैश, इसको गाइस बोलते हैं बैक स्लैश, और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। तो ये चीज़ें आपको गाइस पता होना चाहिए गाइस। और भी कीबोर्ड पर चीज़ें आप सिंपली देख सकते हैं, यदि मैं एक एक चीज़ें बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको मैं PDF में दे दूंगा, तो आप सिंपली उसको डाउनलोड करके आसानी से देख भी सकते हैं गाइस। इसके बारे में तो हमने यहाँ पे कंप्लीट समझ लिया कीबोर्ड के बारे में गाइस, अब हम समझते हैं माउस के बारे में। देखो माउस हमारा क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल्स में समझ लेते हैं। देखो माउस को गाइस हम बोलते हैं प्लॉइंटिंग डिवाइस, हिंदी में क्या बोलते हैं प्लॉइंटिंग डिवाइस। यह एक इनपुट डिवाइस है, एक माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं जिन्हें दाएं बटन, बाएं बटन तथा मध्य बटन बोलते हैं।
ये देख सकते हैं गाइस, जो हमारा माउस है, माउस का इस तरीके से एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने इमेज बना के रखा है ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। ये मेरा जो माउस है ये वायरलेस माउस है, इसमें केबल वगैरह नहीं है। तो आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर देखेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से हमारा माउस है गाइस। इसको मतलब सेकेंडरी बटन देख सकते हैं, ये वाला बटन जो होता है हमारा सेकेंडरी बटन होता है, और गाइस ये होता है हमारा प्राइमरी बटन, जो जिससे ज़्यादा यूज होता है वो हमारा प्राइमरी बटन से यूज होता है, जो फर्स्ट वाला जो हमारा बटन होता है जो लेफ्ट वाला, ठीक है। और आप बीच में देखेंगे तो आपको मिलेगा स्क्रॉल व्हील, ये आपको दिखाई दे रहा है इतना इतना एरिया गाइस, ब्लैक ब्लैक पहिया सा, ठीक है, अपनी भाषा में पहिया बोल सकते हैं गाइस। इसको मतलब स्क्रॉल व्हील, ठीक है। इसको आप ऊपर नीचे करेंगे तो आप जो भी पेज वगैरह, जैसे मैं ऊपर नीचे करके दिखाता हूँ, जैसे मैं नीचे करता हूँ देख सकते हैं मेरी जो पेज है ऊपर जा रहा है, ऊपर करूँगा तो मेरा पेज नीचे आ रहा है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादातर जो यूज होता है हमारा माउस का वो यहाँ पे लेफ्ट बटन का ही होता है, ये वाला जो हमारा बटन है इसका ज़्यादातर यूज होता है गाइस। और भी चीज़ें मैं आपको बताया, तो ये चीज़ें तो आपके समझ में आ गई कि माउस हमारा क्या होता है, ठीक है, कीबोर्ड हमारा क्या होता है गाइस। अब हम बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे स्विचिंग ऑन स्विचिंग डाउन, कंप्यूटर को चालू और बंद करना। देखो दोस्तों जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को चालू करोगे या बंद करोगे तो आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शन आते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आएगा आपके सामने शट डाउन, देखो शट डाउन क्या होता है आपको पता होगा, यानी किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप को बंद करना। और हमारा रीस्टार्ट क्या होता है, पुनः चालू करना, द्वारा आप चालू कर सकते हैं गाइस। मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है, आप सिंपली पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता था दोस्तों लॉग ऑफ। लॉग ऑफ क्या होता है, जब भी आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में दो तीन यूजर बना के रखे होंगे, जैसे आपने अपने कंप्यूटर से दो तीन कंप्यूटर और भी ऐड करके रखे होंगे तो उसमें अलग अलग स्विच यूजर आप बनाते हैं तो उनको आप लॉग ऑफ कर सकते हो गाइस। ये स्विच यूजर है, आप सिंपली स्विच यूजर पर जा सकते हो गाइस। पाँचवा ऑप्शन जो आता है वो आता है स्लीप मोड। तो स्लीप मोड हमारा क्या होता है, तो गाइस मैं आपको तो इसका मतलब ये होता है, आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, यानी इससे क्या होता है हमारा जो स्लीप मोड में चला जाता है। जैसे मान लो ये ज़्यादातर जो ऑप्शन यूज किया जाता है वो यहाँ पे लैपटॉप में किया जाता है। लैपटॉप में क्या होता है, जब भी आप देख रहे हो जैसे आपकी बैटरी बहुत ही कम यहाँ पे रह चुकी है और आपको काम करना है, ठीक है, आपका काम यहाँ मान लो इनकम्प्लीट है, तो आप अपने लैपटॉप को स्लीप मोड पर डाल देंगे तो इससे क्या होगा, आपका काम यहाँ पे वहीं के वहीं रहेगा, यानी जो लैपटॉप के पुर्जे होंगे वो तो काम करेंगे लेकिन एक सोते समय रहेंगे, यानी वो एकदम बंद हो जाएंगे पूरी तरीके से। जब भी आप यहाँ पे चालू करोगे तो आपके द्वारा यहाँ पे आपका कंप्यूटर लैपटॉप चालू हो जाएगा। तो आप इसलिए मोड इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हो, आप मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है ताकि आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं गाइस। और भी यहाँ पे ऑप्शन आता है, सिक्स वाला जो ऑप्शन आता है वो आता है हाइबर नेट, ये आपको लैपटॉप में मिलेगा, ये आपको कंप्यूटर में नहीं मिलेगा। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि आपको कंप्यूटर लैपटॉप को कैसे बंद करना, कैसे चालू करना, तो चलिए मैं आपको कंप्लीट समझा देता हूँ। तो जैसे मान लो मेरा एक कंप्यूटर है या लैपटॉप है, तो देखो सबसे पहले बंद करने चालू करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। चालू तो आप कर ही दोगे बटन को ऑन करके, आप अपने कंप्यूटर को बंद कैसे करोगे, देखो आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप को डायरेक्ट बंद नहीं करना, अपने स्विच से डायरेक्ट बंद नहीं करना। डायरेक्ट बंद करोगे तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी विंडो जा सकती है, विंडो डैमेज हो सकती है। बंद करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे दिखाई देगा स्टार्ट बटन, आपको सिंपली अपने माउस से इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे आप अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हैं इस तरीके से पावर का, आप सिंपली पावर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। आपके कंप्यूटर में लैपटॉप है तो लैपटॉप में आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, मैं आपको कंप्यूटर पर समझा रहा हूँ। दोस्तों पहला ऑप्शन आपको मिलता है रीस्टार्ट का, यदि आप रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दें तो आपका जो कंप्यूटर है पुनः चालू हो जाएगा। जिस तरीके से आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं उसी प्रकार से आप सिंपली कर सकते हैं। रीस्टार्ट का मतलब समझ सकते हैं आप, री यानी द्वारा से स्टार्ट, ठीक है, यानी आपका जो भी कंप्यूटर वगैरह कभी हैंग होता है, कभी काम नहीं करता, तो आप सिंपली यहाँ से रीस्टार्ट कर दें तो आपका कंप्यूटर एकदम सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है शट डाउन का, यदि आप शट डाउन के ऊपर क्लिक कर दें तो आपका कंप्यूटर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। द्वारा से कभी अगले दिन चालू करेंगे तो आपका कंप्यूटर द्वारा चालू हो जाएगा, तो आप शट डाउन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपका आता है स्लीप का, जो मैंने अभी आपको समझा दिया, यदि आप स्लीप कर दें तो आपके कंप्यूटर के पुर्जे तो काम करेंगे लेकिन एक सोते मोड में चले जाएंगे, स्लीप मोड में चले जाएंगे। तो गाइस आपके समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को बंद कर सकते हैं। गाइस हमने इन सभी के बारे में तो सीख लिया, गाइस अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी डेस्कटॉप आइकन को ओपन आप कितने तरीके से कर सकते हैं, तो आइए सीख लेते हैं। गाइस पहला तरीका है कि आपको क्या करना है, आपको अपने माउस को
जो आपका माउस का कर्जर होता है उसको आपको उसके ऊपर ले जाना। जैसे एग्जांपल मैं आपको कंप्यूटर का आइकन है उसको ओपन करके दिखाता हूँ, तो मैं अपने एक माउस के कर्जर को उसके ऊपर ले गया। इसके बाद आपको क्या करना, आपका जो लेफ्ट क्लिक होता है माउस का, आपको उसको दो बार प्रेस करना जल्दी जल्दी। देख सकते हो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर प्रेस करूँगा, जैसे आप फास्ट दो बार प्रेस करें तो आपका जो भी कंप्यूटर का आइकन होगा इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो बस पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका ऐसे है कि आपको क्या करना, आपको फिर से यहाँ पे अपने कर्जर को ले जाना इस तरीके से, और आपको अपने माउस से राइट क्लिक को प्रेस करना होगा। जैसे आप अपने माउस से राइट क्लिक को प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। दोस्तों ऑप्शन ओपन होने के बाद आपके यहाँ पे दिखाई देगा ओपन का ऑप्शन, आपको सिंपली अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस कर देना है। जैसे दोस्तों आप अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करें तो आप देखेंगे आपका जो भी कंप्यूटर का आइकन है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो बस दो तरीके तो ये थे। तीसरा तरीका ये है कि आपके यहाँ पे दिखाई देगा टाइप हियर टू सर्च, आपको सिंपली इसके ऊपर माउस से क्लिक करना है। माउस से क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे लिखना होगा दिस पीसी, यदि आपके पास विंडो 10 है तो आप दिस पीसी लिख सकते हैं, या तो आपके पास विंडो 7 है तो आप कंप्यूटर लिख सकते हैं। तो मेरे पास है विंडो 10 है, मैं सिंपली यहाँ पे दिस पीसी लिख दूंगा। जैसे दोस्तों आप दिस पीसी को सर्च करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे एंटर बटन को प्रेस कर देना अपने कीबोर्ड से। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे एंटर बटन को प्रेस करना देख सकते हैं आपके सामने कंप्यूटर का आइकन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो गाइस तीसरा तरीका ये था। गाइस चौथा तरीका है कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा देख सकते हैं स्टार्ट बटन, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जितने भी एप्लीकेशन आपने अपने जितने भी सॉफ्टवेयर आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखे होंगे सभी सॉफ्टवेयर आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपको इस तरीके से यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखाई दे जाएंगे। जो भी आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हो, जिसे भी ओपन करना चाहते हो उसे आप उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी आसानी से आप ओपन कर सकते हो। कैसे इसके बाद आपके सामने और भी तरीके हैं जहाँ से भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। जैसे और भी तरीका आता है आपके सामने, आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से विंडो डी को प्रेस करना है। जैसे आप विंडो के साथ डी बटन को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी चार एरो की होती हैं, ठीक है, कीबोर्ड पर चार एरो की होती है, उससे आपको ऊपर वाली एरो को प्रेस करके आपको कंप्यूटर का जो आइकन है उसके ऊपर ले जाना। देख सकते मैं आ चुका हूँ। आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को फिर से प्रेस करना होगा। जैसे आप अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने फिर से आपका जो भी कंप्यूटर का आइकन होगा ओपन हो जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस ये थे तीन चार तरीके जहाँ से आप अपने कंप्यूटर के आइकन को ओपन कर सकते हो। गाइस देख अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे मान लो आप किसी भी आइकन को ओपन करते हो तो आपके सामने कौन कौन सी सेटिंग आती है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे मैंने ये कंप्यूटर का आइकन है, मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको ओपन कर लिया। दोस्तों जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर देखेंगे आपके यहाँ पे तीन बटन मिलेंगे राइट साइड में, देख सकते हैं। एक आपको मिलेगा मिनिमाइज का, दूसरा आपको मिलेगा रिस्टोर डाउन का, तीसरा बटन आपको मिलेगा क्लोज का। तो आइए इन बटन के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। दोस्तों पहला बटन आपको मिलता है मिनिमाइज का। देखो इससे क्या होता है, यदि मान लो आपने कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन किया और आप चाहते हो वो मिनिमाइज हो जाए, मिनिमाइज होकर आपका जो टास्क बार पर आ जाए, आपका हमेशा के लिए क्लोज ना हो, आप फिर से उसको ओपन करके आप काम कर सकें, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे माइनस के ऊपर जाना, अपने कर्जर को ले जाना और आपका जो माउस का लेफ्ट बटन है उसको आपको प्रेस कर देना। गाइस मैंने आपको पहले भी समझा दिया, जो सबसे ज़्यादा माउस का जो बटन काम करता है, सबसे ज़्यादा यूज में आता है कंप्यूटर में, वो आता है लेफ्ट बटन। आप लेफ्ट बटन से सारे काम कर सकते हैं। जैसे मैंने मिनिमाइज के ऊपर क्लिक किया, अभी आप देखेंगे आपका जो भी कंप्यूटर का आइकन था वो यहाँ पे देख सकते हैं टास्क बार पर आ चुका, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको फिर से इसको ओपन करना है तो आपको अपने कर्जर को ले जाना और आपको फिर से अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस कर देना, आपका फिर से यहाँ पे कंप्यूटर का आइकन ओपन हो जाएगा। तो गाइस पहला बटन हमारा यूज था, दूसरे बटन का यूज क्या है कि आपको इसके ऊपर ले जाना, आपको इसके ऊपर माउस के लेफ्ट क्लिक को यहाँ पे प्रेस कर देना है। दोस्तों जैसे आप अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करेंगे, अभी आप देखेंगे जो भी आपका कंप्यूटर के जो आइकन था वो यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी जो भी साइज था उसका यहाँ पे छोटा हो चुका, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं इस तरीके से। छोटा होने के बाद आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलो मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली इसके इस तरीके से ले जाना, सबसे कोने पर ले जाना, जैसे तक मैं आ चुका हूँ, ठीक है। उसके इस तरीके से कोने पे आने के बाद आपको इस तरीके से तीर बना हुआ आएगा। आपको क्या करना है, जैसे तीर बना हुआ आएगा आपको अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना और आपको नीचे कर देना इस तरीके से, देख सकते हैं। जैसे मैं नीचे करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप इसको राइट से कर सकते हैं, जैसे राइट पर ले गया तीर बन गया, माउस को लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना इस तरीके से, आपको इस तरीके से कर देना, देख सकते हैं मैंने इसको छोटा कर दिया, देख सकते हैं। यदि आप फिर से इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से यहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहा, दूसरा बटन जो मैक्सिमाइज का, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका यहाँ पे फिर से बड़ा हो जाएगा।
और गाइस तीसरा बटन आता है आपका क्लोज का, आप सिंपली यदि क्लोज कर दें तो आपका हमेशा करें जो भी सॉफ्टवेयर है जो भी चीज़ है क्लोज हो जाएंगी, ना तो वो टास्क बार पर जाएंगी ना कहीं भी जाएंगी, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लोज हो जाएंगी हमेशा के लिए। दोस्तों ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। दोस्तों ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे मान लो आपका एक कंप्यूटर का आइकन है, इसके ऊपर मैं सिंपली राइट क्लिक करूँगा, जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको समझाया था डिटेल्स में। तो पहला जो आपके सामने ऑप्शन आता है देख सकते हो ओपन का, इससे तो आप ओपन कर सकते हो। अब देखो आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रॉपर्टीज़ का, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप जैसे, तो आपका जो कंप्यूटर होगा कंप्यूटर के बारे में डिटेल्स आप देख सकते हैं, जैसे इसमें कितनी जीबी रैम है, ठीक है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सी विंडो डली हुई, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो अभी आप देखेंगे डिवाइस नेम आपके सामने आ जाएगा, प्रोसेसर आपके सामने आएगा, इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर है, ठीक है, आपके यहाँ पे रैम आ जाएगी, रैम 8GB इसमें रैम डली हुई है। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी सिस्टम टाइप है कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम टाइप आपका 64-bit ऑपरेटिव सिस्टम है, ये भी आप देख सकते हैं। विंडो आपके यहाँ पे कौन सी इंस्टॉल है वो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे मान लो आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में ये देखना चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में हार्ड डिस्क कितनी जीबी डली हुई है, वो आप कैसे देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए आपका जो भी कंप्यूटर का आइकन है उसके ऊपर आपको सिंपली राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा मैनेज का ऑप्शन, आपको सिंपली मैनेज के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिस्क मैनेजमेंट, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जितनी भी चीज़ें आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगी, जितनी भी चीज़ें डली होंगी, वो आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे दो चीज़ें डाल के रखी हैं, एक तो मैंने यहाँ पे हार्ड डिस्क डाल के रखी, एक मैंने यहाँ पे SSD को डाल के रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं डिस्क 0 बेसिक 119GB यानी 128GB आती है, SSD उसका साइज अभी 119GB दिखा रहा है, कम ही दिखाता है, ठीक है, दिख सकते हैं। और डिस्क 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा 465GB, 500GB की आती है लेकिन 465GB यहाँ पे दिखाता। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे SSD डाल के रखा है, क्या क्या डाल के रखा है, वो सिंपली आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको क्लोज कर दूंगा। दोस्तों और भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे मान लो आप यहाँ पे क्रोम है, ठीक है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो आइए एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन तो ओपन का था, आप सिंपली ओपन कर सकते हो। जो मेन मेन ऑप्शन है उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। और भी आप देखेंगे आपके यहाँ पे ऑप्शन ऐड टू आर्काइव आता है, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आप नए हैं तो आपके समझ में नहीं आएगा। आपको यहाँ पे दिखा दे पिन टू स्टार्ट, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका जो भी यहाँ पे क्रोम है वो स्टार्ट पर यहाँ पे लग जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पिन टू टास्क बार, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आप यहाँ पे दिखाई दे टास्क बार, आपका जो क्रोम था यहाँ पे टास्क बार पर आ जाएगा। तो आप सिंपली ये चीज़ देख सकते हैं, गाइस आप सिंपली अनपिन कर देंगे इस तरीके से, अनपिन टास्क बार तो यहाँ से चला जाएगा। गाइस और भी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सेंड टू, देखो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, सेंड टू के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके आपने अपने कंप्यूटर में जो भी चीज़ें लगा के रखूँगी, या मान लो आपने अपने लैपटॉप में जो भी चीज़ें लगा के रखूँगी, वो आप यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट भेज सकते हो ब्लूटूथ द्वारा। और भी चीज़ें आपको दिखाई दे जाती हैं। गाइस नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पे ऑप्शन है कट का, आप देखो कट हमारा क्या होता है, कट का मतलब दोस्तों अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा तब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कट कॉपी का, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद आता है क्रिएट शॉर्टकट, यदि मान लो आपका ये क्रोम है, यदि आपका इसका एक और शॉर्टकट आप चाहते हो, इसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहते हो, तो आप सिंपली क्रिएट शॉर्टकट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दोगे, देख सकते हैं इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी इस तरीके से आ जाएगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। अब जैसे मान लो आप यहाँ पे डिलीट करना चाहते हो इसे, तो आप राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिलता है डिलीट का, आप सिंपली डिलीट के ऊपर क्लिक कर दें तो आपके डुप्लीकेट कॉपी डिलीट हो जाएगी। गाइस और भी चीज़ें आपको दिखा दें, रीनेम का, रीनेम के ऊपर क्लिक करें तो आप इसको रीनेम कर सकते हो। जैसे रीनेम के ऊपर क्लिक करके मैं सिंपली बैक करूँगा, यहाँ से आप कुछ भी नेम दे सकते हो, जैसे मैंने अपना नेम यहाँ पर दे दिया राहुल, और आपको एंटर कर देना है तो आपका नेम फोल्डर पर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन आता है वो आता है प्रॉपर्टीज़, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, कितनी MB का है, ठीक है, कितने क्या है, फाइल साइज क्या है, सारी डिटेल्स के बारे में आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, कब का वर्जन है, वर्जन वगैरह, डेट वगैरह, सारी चीज़ आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपको इतना तो हक बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों यदि आप ये तो चीज़ें दोस्तों मैंने आपको समझा दी, यदि आपको लगता है इसमें कोई भी चीज़ रहेगी तो आप सिंपली कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको और भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ठीक। तो इन चीज़ों के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया।
अब गाइस मैं आपको मेन चीज बताने वाला हूँ। जैसे मान लो आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, आपके कंप्यूटर में, अपने कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को आप सिंपली इंस्टॉल करना चाहते हैं, अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आप कैसे हटा सकते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपको सबसे पहले मैं आपको तो हटाने के लिए, जैसे आपका कोई भी चीज़ मैं आपको बताया, जैसे मैं बताता हूँ फोटोशॉप, ठीक है, ये फोटोशॉप है, मैं चाहता हूँ फोटोशॉप को अनइंस्टॉल करना है, यहाँ से हटाना, तो आप कैसे हटा सकते हैं, तो आपको सिंपली हटाने के लिए सेटिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों आप जैसे सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेटिंग, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने पर आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऐप का बटन, देख सकते हैं ऐप्स यहाँ पे फोल्डर आपको दिखाई देगा, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आपको फिर से क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ऐप्स एंड फीचर्स के ऊपर इस तरीके से। जैसे आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे अब आप इस तरीके से आ जाएंगे, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जितने भी आपने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करके रखे होंगे सभी आपके सामने इस तरीके से दिखा देगा, देख सकते हैं इस तरीके से। इसमें से आप जो भी हटाना चाहते हैं, जैसे मैं आपको फोटोशॉप को अनइंस्टॉल करके दिखाता हूँ, जैसे ये फोटोशॉप है इसको मुझे अनइंस्टॉल करना है, हटाना है, तो कैसे हटाऊंगा, इसके ऊपर मैं सिंपली लेफ्ट क्लिक करूंगा, इसके बाद आपके यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अनइंस्टॉल का, मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, इसके बाद मैं अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे यस कर दूंगा, इसके बाद दोबारा से यहाँ फिर से यस कर दूंगा। जैसे मैं फिर से यस करूंगा थोड़ा वेट करेंगे, वेट करने के बाद जो मेरा यहाँ पे ऐड ऑफ फोटोशॉप था वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव हो रहा है। ये अभी पूछ रहा है मैं सभी फाइल हटाना चाहता हूँ, मैं सिंपली कर दूंगा यस टू ऑल, मैं सभी हटाना चाहता हूँ, यस कर दूंगा, ठीक है, देख सकते हैं। कुछ आपको इस स्टेप को फॉलो करना पड़ता है और आप सिंपली यहाँ पे हटा सकते हो, देख सकते हैं। अभी थोड़ा वेट करते हैं, वेट करने के बाद जो मेरा फोटोशॉप था यहाँ से हट जाएगा, मैं सिंपली ओके कर दूंगा, देख सकते हैं। जैसे मैंने ओके किया तो अभी आप देखें यहाँ से मेरा फोटोशॉप हट चुका है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ से फोटोशॉप, ये देख मैं आपको रिफ्रेश करूँगा, देख सकते हैं इस तरीके से, और मैं सिंपली इसको ओपन करूँगा, ये ओपन नहीं होगा, देख सकते हैं दिखा रहा है प्रॉब्लम इज शॉर्टकट, यानी शॉर्टकट रह गया, डिलीट हो चुका, हट चुका, देख सकते हैं यहाँ से हट चुका, जैसे मैंने ओपन किया यहाँ से हट चुका है। दोस्तों ये तो आपके समझ में आ गया कि आप फोटोशॉप को किस तरीके से यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो। गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ आप किसी भी सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, यानी डाल सकते हो। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, उसका आपको सेटअप चाहिए, तो मैं सिंपली आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास पहले से यहाँ पे सेटअप है, तो मैं सिंपली सॉफ्टवेयर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पे डाल के रखा होगा फोटोशॉप को, ठीक है, मैं देख लेता हूँ मैंने कहाँ पर डाल के रखा है फोटोशॉप को, तो सिंपली फोटो ही आ चुका फोटोशॉप, ठीक है, मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा। दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करने पर आपको सेटअप मिलता है, तो आपको दिखाई दे रहा हूँ सेटअप, मैं सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूँगा, इसके बाद मुझे यहाँ पे यस करना होगा, यस करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा, वेट करने के बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, इसके बाद आपको ओके कर देना, इसके बाद आपको नेक्स्ट करना, एक्सेप्ट करना, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आएगा सीरियल नंबर। अब देखो सीरियल नंबर आप कहाँ से लाएंगे, तो जो आपका सेटअप होगा ना वहीं पर आपको सीरियल नंबर मिल जाता है, जैसे यहाँ पर होगा मैं देख लेता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं ये रहा मेरा सीरियल नंबर। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा इस तरीके से, कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर देना और मैं उसी में जाता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल वी कर दूंगा। जैसे मैं कंट्रोल वी करूँगा देख सकते हैं मेरा जो सीरियल नंबर होगा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट करना, यस के ऊपर क्लिक कर देना, इसके बाद फिर से नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना। गाइस आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, स्टेप को फॉलो करके आप सिंपली किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डाल सकते हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर को हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरे यहाँ पे इंस्टॉल होने लगा, थोड़ा वेट लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगने के बाद मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी सॉफ्टवेयर को डाल सकते हो और हटा भी सकते हो। दोस्तों आपके कंप्लीट समझ में आ गया होगा। गाइस अब मैं आपको और भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, जो भी चीज़ें रह गई उनके बारे में सिखाने वाला हूँ। तो अब चलते हैं पीडीएफ की ओर और मैं आपको और भी चीज़ें सिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ तक समझ लिया था यानी कि कंप्यूटर को शटडाउन वगैरह कैसे करते हैं। गाइस अब मैंने यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ में लिख के रखा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें आप सीखेंगे कि कब हमारा कौन सा कंप्यूटर बना था, तो ये आप रीड कर सकते हैं। इसको मैं अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है, बताऊंगा आपको, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। प्रथम पीढ़ी कब आई थी, ठीक है, और आपके यहाँ पर द्वितीय पीढ़ी कब आई थी, तृतीय पीढ़ी कब आई थी, तृतीय पीढ़ी में क्या हुआ था, ठीक है, कौन सा कंप्यूटर बना था, ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। गाइस अब हम देख सकते हैं मेरा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, फोटोशॉप यहाँ पे हो चुका है, मैं सिंपली फिनिश कर दूंगा, तो ये मेरा ओके कर दूंगा, देख सकते हो ओपन हो चुका है, मैं सिंपली इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से ओके करके इसको उठा देता हूँ, यस कर दूंगा, मेरा हट जाएगा। आप देखो हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे कंप्यूटर के जो भी रिलेटेड जो फुल फॉर्म होती है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो हमारे रिलेटेड फुल फॉर्म होती है उनके बारे में। जैसे रैम की फुल फॉर्म क्या होती है आप सिंपली हम देख सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की क्या होती है रीड ओनली मेमोरी, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप सिंपली देख सकते हैं। यदि मैं पूरी बताऊंगा ना काफ़ी ज़्यादा फुल फॉर्म है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको इस पीडीएफ में मिलने वाले हैं, आप सिंपली देख सकते हैं।
और दोस्तों जो मेन मेन चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो मैं नीचे आ चुका हूँ गाइस, अब मैं आपको बताने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी, क्या है कंप्यूटर के बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट, ये आपको आने ही चाहिए, बेसिक है ठीक है। ये जो नया इंसान होता है उसको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले जो हमारी कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है वो आती है कंट्रोल प्लस सी, देख सकते हैं इस तरह से कंट्रोल प्लस सी, इससे क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कॉपी कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आप कॉपी कैसे करेंगे। तो देखो कॉपी करने के लिए गैस, लेकिन कॉपी करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाने वाला हूँ। जैसे गैस मैं आपसे बोलूँगा आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस सी, तो आपको क्या करना है, देखो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और आपको सी बटन को प्रेस करना है, ना कि आपको प्लस बटन को प्रेस करना है। प्लस का मतलब ये होता है कि आपको दोनों साथ में प्रेस करने हैं ठीक है। नए जो लोग हैं उनको मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी आपको क्या करना है, जैसे मैं आपसे बोलूँगा आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एक्स, तो आपको क्या करना, आपको कंट्रोल बटन को दबा के रखना और आपको एक्स बटन को प्रेस कर देना, आपको प्लस बटन से हाथ नहीं लगाना ठीक है, आप ये गलती मत करना, इसीलिए दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चलो पहली चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहला हमारा क्या कंट्रोल सी। अब देखो कंट्रोल सी हमारी होती क्या, चलो सीख लेते हैं। तो इसको सीखने के लिए गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने कोई फाइल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर ली एमएस वर्ड की फाइल, देख सकते हैं जैसे मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया, इसको ओपन करके मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। सबसे नीचे आ जाता हूँ, जैसे देखो कंट्रोल सी का मतलब क्या था, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी डेटा को कॉपी करना। तो देखो एम एस वर्ड में मैं आपको सिखा रहा हूँ, जैसे मान लो ये लिस्ट है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया सिलेक्ट इस तरीके से, और मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँ कंट्रोल सी। जैसे मैंने कंट्रोल सी को प्रेस किया कॉपी हो चुकी है। अब देखो कॉपी होने के बाद मुझे मान लो पेस्ट करना है, मैं सबसे नीचे आ जाऊँगा इस तरीके से, देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं कंट्रोल वी कर दूंगा इस तरीके से तो मेरी पेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हो और पेस्ट भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको अब डेस्कटॉप पर सिखा देता हूँ। जैसे मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन है, जैसे मान लो मेरी ये वाली फाइल है सबसे पहले कंप्यूटर ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको मुझे कॉपी करना है तो मैं सिंपली कंट्रोल सी करूँगा। कंट्रोल सी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँगा। जैसे मैं कंट्रोल वी करूँगा तो अभी आप देखेंगे इसका डुप्लीकेट बन चुका है, यहाँ से कॉपी होकर यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे सिंपली कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। कैसे इसके बाद आती है हमारी कंट्रोल एक्स। अब देखो कंट्रोल एक्स हमारी क्या होती है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये वाली फाइल है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और उसको मैं समझाता हूँ। जैसे ये मेरी फाइल है ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर, मान लो इसको मैं यहाँ पे कट करना चाहता हूँ ठीक है, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली करूँगा यहाँ पे कंट्रोल एक्स। जैसे मैंने कंट्रोल एक्स की, इसके बाद मुझे मान लो कंट्रोल वी कर दूंगा, देख सकते हैं सॉरी यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, ये प्रॉब्लम आ रही है ठीक है। मैंने यहाँ पे की कंट्रोल एक्स करने के बाद मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे कर दूँगा कंट्रोल वी, यहाँ पे स्किप कर दूंगा, देख सकते हैं इस तरीके से। इससे दोस्तों क्या होगा, यानी ये वाली जो फाइल होगी डुप्लीकेट नहीं होगी, यहाँ से हट जाएगी और दूसरी जगह आप लेना चाहते हो तो आ जाएगी। चलो मैं आपको और भी यहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाता हूँ। जैसे मैं एमएस वर्ड में आ चुका हूँ, देखो एमएस वर्ड में आने का ये हमारी लिस्ट है, इसको मैंने सॉरी यहाँ पे लिस्ट है, इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट किया, सभी लिस्ट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से, देख सकते हैं तीनों को। इसके बाद यहाँ पे प्रेस करूँ कंट्रोल एक्स, जैसे मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा अभी आप देखें यहाँ से मेरी लिस्ट पूरी गायब हो चुकी है। अब मैं सबसे ऊपर जाता हूँ, यानी सबसे ऊपर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरी लिस्ट वो पेस्ट हो जाए तो मैं सिंपली कंट्रोल वी कर दूंगा, देख सकते हैं ये मेरी पेस्ट हो जाएगी। यानी कंट्रोल एक्स का मतलब ये होता है एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, मूव करने के लिए, डुप्लीकेट आप इससे नहीं बना सकते। अभी मैं नीचे आऊँगा और आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं नीचे मेरी यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है, ऊपर जा चुकी है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गए हो कंट्रोल एक्स का मतलब क्या होता है, कंट्रोल सी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल वी का मतलब क्या होता है। इसके बाद गैस और भी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे आपकी आती कंट्रोल जेड, अब देखो कंट्रोल जेड आपकी क्या होती है, कंट्रोल वी मैंने आपको समझाए दी। कंट्रोल जेड का मतलब गैस ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अंडू करने के लिए। अब देखो अंडू आप कैसे करेंगे तो मैं आपको समझाया था। जैसे मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ एम एस वर्ड में आता हूँ ठीक है, एम एस वर्ड में यहाँ पे आ चुका हूँ, एम एस वर्ड में यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। अभी देखो ये चीज़ है, मैंने इसको कर दिया सेलेक्ट इस तरीके से, मैं डिलीट कर दूंगा, मैंने इसको कर दिया डिलीट। यदि मान लो आपसे गलती से कोई भी चीज़ डिलीट हो जाती है, तो यदि आप इसको वापस लेना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल जेड। जैसे मैं कंट्रोल जेड को प्रेस करूँ, देख सकते हैं वापस मेरी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को वापस ला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके सामने और भी चीज़ आती है, जैसे कंट्रोल बाई। अब देखो कंट्रोल बाई हमारी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रीडू करने के लिए। अब रीडू क्या होती है, सॉरी यहाँ पे गलत रह गया, रडू लिख गया ठीक है, आपको यहाँ पे मात्रा चढ़ानी, इस तरह से रीडू कर लेना है। अब देखो इससे क्या होता है, तो दोस्तों मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो रीडू का मतलब ये होता है, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको मैंने क्या किया डिलीट कर दिया इस तरीके से ठीक है, और मैं कंट्रोल जेड से मैं इसको वापस ले आया, मैं कंट्रोल बाय कर दूंगा तो वापस से मेरा डिलीट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जो परिवर्तन आपने कंट्रोल जेड से किया है वही परिवर्तन आप द्वारा कंट्रोल बाय से कर सकते हैं।
गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है, बहुत ही शिफ्ट प्लस डिलीट। अब देखो शिफ्ट प्लस डिलीट से हमारा क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना रिसाइकल बिन में ले जाए डिलीट करने के लिए। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी, चलो मैं आपको समझा दूँ। देखो रिसाइकल बिन क्या होता है उसके बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा समझाया था। देखो ये होता है हमारा रिसाइकल बिन, कंप्यूटर में कोई भी फाइल यदि आप गलती से आपकी कोई भी डिलीट हो जाती है तो वो आपको रिसाइकल बिन में मिल जाती है। जैसे मेरा ये फोल्डर है, ठीक है, मैं कोई भी चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये वाला फोल्डर, ठीक है, कंप्यूटर में सबसे पहले इसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को यहाँ पे प्रेस कर दिया। तो यदि मान लो आपसे गलती से इस तरीके से डिलीट हो जाता तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली रिसाइकल बिन को यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे रिसाइकल बिन को ओपन करेंगे आपके सामने ये फाइल आएगी, देख सकते हैं सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, यही फाइल मैंने डिलीट की थी, यही मेरी यहाँ पे आ चुकी है। तो यदि आप इसको वापस लेके जाना चाहते हैं आप सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और आप सिंपली रीस्टोर के ऊपर क्लिक कर देंगे और आप वापस से आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी फाइल आ चुकी है। यदि यही काम मान लो यदि आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो आपका ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करता हूँ और डिलीट बटन को प्रेस कर देता हूँ और आपको यहाँ पे दिखा मिल जाएगा, देख सकते हैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आर यू श्योर वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट फाइल, यानी परमानेंटली आपकी डिलीट फाइल हो जाएगी। आप करना चाहते हैं यस के ऊपर क्लिक कर देंगे और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यस के ऊपर क्लिक किया मेरी परमानेंटली डिलीट फाइल हो चुकी है। चलो मैं आपको रिसाइकल बिन के ऊपर ले जाके आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं रिसाइकल बिन की। दोस्तों आपको समझ में आ गया शिफ्ट के साथ डिलीट करने पर क्या होता है और विदाउट शिफ्ट के डिलीट करने पर क्या होता है। कैसे इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है F2। अब देखो F2 से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को रीनेम कर सकते हो। जैसे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो आपका एक क्रोम है, ठीक है, आपने क्रोम के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और आप इसको रीनेम करना चाहते हो। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से F2 को प्रेस करना है। जैसे आप कीबोर्ड से F2 को प्रेस करें तो आप देखें आपका जो भी क्रोम था यहाँ पे रीनेम हो चुका है। आप सिंपली इस तरीके से कोई भी नेम दे सकते हो और एंटर कर सकते हो तो आपका नेम चेंज हो जाएगा। बस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है Ctrl+A, किसी भी डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए। चलो मैं आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं यहाँ पे अभी हूँ MS Word में, ठीक है, MS Word में हूँ। जैसे मान लो मैं ये मेरी फाइल वगैरह पूरी हैं, इनको मैं एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँ Ctrl+A। जैसे मैं कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करूँगा देख सकते हैं सभी फाइलें मेरी एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी एक साथ सिंपली यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी डेटा, किसी भी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है, बहुत ही Alt+F4। इससे दोस्तों क्या होता है, Alt+F4 से खुली हुई विंडो को आप बंद कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपके सामने कोई भी विंडो खुली हुई है, जैसे मेरा MS Word है, MS Word को मैं बंद करना चाहता हूँ तो सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो Alt+F4, आपका ये बंद हो जाएगा। ठीक है, गाइस मैं बंद नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी इसकी रिकॉर्डिंग अभी बंद हो जाती है। ठीक है, अभी मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने Alt+F4 कर दिया तो मेरी मेहनत बेकार चलेगी, इसीलिए दोस्तों मैं आपको करके नहीं दिखा रहा। ठीक है, आप करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे इसके बाद आप देखें आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है Alt+Tab। इससे क्या होता है, देखो कंप्यूटर में जितनी विंडो खुली हुई हैं उन्हें एक साथ आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपने यहाँ पे विंडो खोल के रखी है, टास्क बार पर खोल के रखी, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली फाइल खोल के रखी, ये भी खोल के रखी, दो विंडो मैंने यहाँ पे खोल के रखी हैं सॉफ्टवेयर। ठीक, अब मैं क्या करूँ, अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Alt+Tab। जैसे मैं टैब बटन को प्रेस करूँगा अभी आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगे, देख सकते हैं जितनी आपने सॉफ्टवेयर या मान लो विंडो खोल के रखी हुई कंप्यूटर पर सभी आपके सामने शो हो जाएंगे, जिस पर जाना चाहते हैं उस पर छोड़ देंगे तो उस पर चले जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है Ctrl+Mouse Scroll Wheel। देखो ये क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बता दूँ, डेस्कटॉप के आइकन को छोटा बड़ा करने के लिए। अब डेस्कटॉप के आइकन को छोटा बड़ा कैसे करो, चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके डेस्कटॉप के आइकन ये हैं, ठीक है, यदि आप चाहें तो इनको बड़ा करना या छोटा करना तो आप कैसे कर सकते हो, तो आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को यहाँ पे दबा के रखना होगा और आपका जो भी माउस होता है, माउस का जो भी स्क्रॉल व्हील होता है, पहिया जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, उसको आपको ऊपर करना। जैसे आप ऊपर करते हुए जाएंगे तो आपका जो भी डेस्कटॉप के आइकन होंगे बड़े होते जाएंगे, देख सकते हैं इस तरीके से। यदि आप इसको नीचे करते जाएंगे देख सकते हैं जो भी आपके डेस्कटॉप के आइकन होंगे छोटे होते चले जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आप अपने डेस्कटॉप के आइकन को बड़ा कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो।
गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीवर्ड शॉर्टकट की F5। अब देखो F5 हमारा क्या होता है रिप्रेस करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में समझा दिया था। जैसे मान लो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है, यदि आप उसको रिप्रेस करना चाहते हो, जैसे रिप्रेस करने के दो तरीके होते हैं जैसे मैंने आपको समझा था शुरुआत में। पहला तरीका है कि आपको अपने माउस से राइट क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रिप्रेस का, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना तो आपका कंप्यूटर रिप्रेस हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आपको एक बार यहाँ पे रिप्रेस करने के बाद अपने माउस से दूसरी बार आपको अपने कीबोर्ड से F5 बटन को यहाँ पे प्रेस करते जाना दे सकता है इस तरीके से, और आपका कंप्यूटर या लैपटॉप रिप्रेस होता चला जाएगा। दोस्तों दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीवर्ड शॉर्टकट की आती है, वो आती है विंडो प्लस R। ठीक है, ये क्या होता है, देखो इससे आप कंप्यूटर में रन कमांड को ओपन कर सकते हो। अब देखो रन कमांड क्या होता है, चलो मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से सबसे पहले विंडो के साथ R बटन को प्रेस करना होगा। जैसे आप विंडो के साथ R बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने रन कमांड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देखो आप इसको रीड भी कर सकते हैं, टाइप द नेम ऑफ ए प्रॉब्लम, ठीक है, सॉरी प्रोग्राम फोल्डर डॉक्यूमेंट ऑफ इंटरनेट रिसोर्स वगैरह, वो चीज़ें आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो आपको यहाँ पे जो आपका डेस्कटॉप है, ठीक है, डेस्कटॉप पर कोई भी आइकन नहीं मिल रहा, जैसे आपको मान लो MS पेंट को ओपन करना है और आपका जो MS पेंट है इस यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा, डेस्कटॉप पर नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको क्या करना, आप डायरेक्ट उसको ओपन कर सकते हैं। आपको सिंपली विंडो के साथ R बटन को प्रेस करना होगा, आपका जो रन कमांड ओपन हो जाएगा और आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना होगा MS पेंट, ठीक है, इस तरीके से, और आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे आपका जो MS पेंट है ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप सिंपली रन कमांड को ओपन कर सकते हो और किसी भी सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर सकते हो। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीवर्ड शॉर्टकट की आती बहुत ही कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। देखो इससे क्या होता है, कंप्यूटर में स्विच यूजर टास्क मैनेजर और पासवर्ड लगाने के लिए, देखो ये बहुत ही कमाल का हमारे कीवर्ड शॉर्टकट की है। आपको क्या करना, आपको अपने कीवर्ड से प्रेस करना हो ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। जैसे आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लॉक है, स्विच यूजर है, साइन आउट है, चेंज पासवर्ड है, टास्क मैनेजर। तो आप जो भी यहाँ से ओपन करना चाहते हैं, जैसे मैं टास्क मैनेजर को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली टास्क मैनेजर को यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो मेरे सामने देख सकते हैं टास्क मैनेजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है, सॉरी मैं ओपन कर लेता हूँ, विंडो प्लस डी। देखो विंडो प्लस डी बहुत ही काम की आपके कीबोर्ड शॉर्टकट की हो सकती है, कंप्यूटर में खुले हुए सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करने के लिए और वापस टास्क बार से ओपन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरा ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे MS Word को ओपन करके रखा है, मैं चाहता हूँ इसको मिनिमाइज करना डायरेक्ट कीबोर्ड की मदद से, तो मुझे क्या करना, मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा विंडो के साथ डी बटन। जैसे मैं विंडो के साथ डी बटन को प्रेस करूँगा तो अभी आप देखेंगे आपका जो MS Word का सॉफ्टवेयर था वो देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमाइज हो चुका है, टास्क बार पर आ चुका है। यदि आप फिर से टास्क बार से ओपन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना, आपको फिर से विंडो डी बटन को प्रेस करना होगा। जैसे आप फिर से विंडो डी बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो भी MS Word का जो भी सॉफ्टवेयर था इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीवर्ड शॉर्टकट की आती है विंडो प्लस एल। देखो इससे क्या होता है, कंप्यूटर को लॉक करने के लिए, यदि आप मान लो कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ और अचानक कोई भी आ जाता है या हमें कहीं भी जाना पड़ता है, हम काम को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि मान लो आपके पास में कोई इंसान बैठा है और वो काम को आपके गलत ना कर दे, तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके कंप्यूटर लैपटॉप में पासवर्ड लगा होगा, लॉक लगा होगा, तो आप उसको लॉक कर सकते हैं। जिस तरीके से आप क्या करते हैं, जो आपका मोबाइल होता है, मोबाइल आप चला रहे हैं, चलाने के बाद आप अपने पावर बटन को प्रेस कर देते हैं, आपकी स्क्रीन लॉक हो जाती है। यदि आप फिर से मोबाइल को ओपन करेंगे तो उसमें पासवर्ड मांगेगा। इसी तरीके से दोस्तों आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को लॉक कर सकते हो। आपको मान लो कहीं जाना है, ठीक है, तो आप अपने बंद नहीं करना चाहते, आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को शटडाउन नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, यानी विंडो एल बटन प्रेस करेंगे, विंडो के साथ एल बटन को, तो आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डर पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, आपको शो नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए तो मैं सिंपली इसको ओपन कर लूँगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीवर्ड शॉर्टकट की आती है कंट्रोल प्लस एक्सेप्ट, कंप्यूटर में रीस्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए। अब देखो जो भी आपके कंप्यूटर में रीस्टार्ट मेनू होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, स्टार्ट बटन, जैसे आपका ये स्टार्ट बटन है, यदि आप इसको ओपन करना चाहते हो कीवर्ड शॉर्टकट की मदद से, तो आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा कंट्रोल एक्सेप्ट। जैसे आप कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट बटन को प्रेस करेंगे, आपका जो भी स्टार्ट बटन होगा वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है विंडो प्लस राइट एरो। देखो इससे क्या होता है, खुले हुए सॉफ्टवेयर को राइट साइड में ले जाने के लिए, जैसे अभी मैंने ये PDF खोल के रखी है, ठीक है, जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको मैं राइट साइड में ले जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, विंडो के साथ मैं यहाँ पे राइट एरो को प्रेस करूँगा, सॉरी यहाँ पे
विंडो के साथ राइट एरो को यहाँ पे प्रेस करूँगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जैसे एम एस वर्ड में पहुँच गया। ठीक है, एम एस वर्ड में जाने का तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँ विंडो का राइट एरो। जैसे विंडो के साथ राइट एरो को प्रेस किया, अभी आप देखेंगे आपका जो भी एम एस वर्ड है यहाँ पर राइट में जा चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप राइट में कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे और भी कोई चीज़ ओपन कर लूँगा तो उसे भी मैं देख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की फाइल को ओपन कर लिया। ठीक, इसको मैं विंडो के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा, देख सकते हैं मेरे सामने दो चीज़ें ओपन हो जाएंगी। जैसे कंप्यूटर की फाइल भी ओपन हो चुकी है और यहाँ पर एम एस वर्ड भी ओपन हो चुका है। इसका फायदा दोस्तों ये है, जैसे मान लो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे देख देख के इस वाली फाइल में देख के यहाँ पर टाइप करना चाहते तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है, आप सिंपली टाइप कर सकते हैं। ठीक है, एक ही साथ आप सिंपली यहाँ पे दो स्क्रीन को ओपन कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है, वो है लेफ्ट ऑल्ट प्लस लेफ्ट शिफ्ट प्लस नमलॉक। बहुत ही काम के कीबोर्ड शॉर्टकट की है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। कीबोर्ड को माउस बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपका जो भी कीबोर्ड है गलती से आपका माउस काम नहीं कर रहा तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड को ही माउस बना लेना है। चलो कैसे बनाए, चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो कीबोर्ड को माउस बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ और आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा लेफ्ट ऑल्ट, जो आपका लेफ्ट साइड का जो ऑल्ट होता है उसको आपको प्रेस करना होगा। ठीक है, लेफ्ट ऑल्ट, लेफ्ट शिफ्ट और यहाँ पे नमलॉक, तीनों को आपको एक साथ यहाँ पे प्रेस करना होगा। चलो मैं प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। लेफ्ट ऑल्ट, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट और यहाँ पे नमलॉक, जैसे मैंने तीनों को एक साथ प्रेस किया, अभी आप देखेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा माउस की। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको यस करना होगा। ठीक है, तो यस करने के लिए आपको क्या करना, या तो आप अपने माउस से यस कर सकते हैं, यदि आपका माउस थोड़ा बहुत काम कर रहा है तो, नहीं काम कर रहा तो आपके जो कीबोर्ड होता है कीबोर्ड पर आपके चार एरो की होती है, उसकी मदद से आप सिंपली यस के ऊपर लाके और आप सिंपली एंटर कर देंगे तो आपका यस हो जाएगा। जैसे मैंने यस कर दिया, अब देखो आप काम कैसे करेंगे। जैसे आपका जो भी कीबोर्ड होता है कीबोर्ड पर जो भी आपके नंबर कीपैड होते हैं, नंबर कीपैड पर आप ध्यान से देखेंगे, राइट साइड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, नंबर कीपैड पर आप ध्यान से देखेंगे, आपके एरो बने होंगे चार। एक तो आपका एरो होगा 8 पर, एक होगा 4 पर, एक होगा 2 पर, एक होगा 6 पर, और जो आपका बीच में 5 बटन होगा उस पर एक डैश सा होगा। जो आपका 5 बटन होता है वो आपका एंटर का काम करेगा और जो आपके चार एरो की होते हैं वो आपके माउस के काम करेंगे। जैसे यदि आप 4 बटन को प्रेस करेंगे तो जो भी आपका एरो होता है आपका यहाँ पर इस तरीके से जाएगा, देख सकते हैं। यदि आप 4 बटन को प्रेस करके रखेंगे तो आपको इस तरीके से जाएगा। यदि आप मान लो 8 बटन को प्रेस करके रखें तो ऊपर जाएगा। यदि आप 2 बटन को प्रेस करेंगे तो आपका नीचे जाएगा। यदि आप 6 बटन को प्रेस करेंगे तो आपका इस तरीके से जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से आप यहाँ पे नीचे ऊपर दाएं बाएं कर सकते हैं। जैसे मान लो यदि आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं किसी भी चीज़, जैसे मैं यहाँ पे ले गया, जैसे मैं यहाँ पे ले जाता हूँ कंप्यूटर पर, देख सकते हैं मैं कंप्यूटर पर यहाँ पे ले गया इस तरीके से। यदि मान लो मैं किसी भी चीज़ को एंटर करना चाहता हूँ यानी ओपन करना चाहता हूँ कंप्यूटर को, तो मैं क्या करूँ, जो आपका 5 बटन होता है उस पर डैश होगा, उसको आपको दो बार जल्दी जल्दी प्रेस कर देना। चलो मैं प्रेस करके आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं। जैसे मैंने दो बार प्रेस किया तो अभी आप देखेंगे आपका जो भी कंप्यूटर का आइकन था यहाँ पे ओपन हो चुका। अब मैं सिंपली यहाँ पे ला के इसको मैं क्लोज कर दूंगा इस तरीके से, क्लोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ पे कंप्यूटर को जो भी कीबोर्ड है कीबोर्ड को माउस बना सकते हो। गाइस इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना, फिर से आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा ऑल्ट शिफ्ट और यहाँ पे नमलॉक, तो आपका ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सेप्ट। इससे क्या होता है, कंप्यूटर में टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए, यदि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में टास्क मैनेजर को ओपन करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट एक्सेप्ट। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे एक्सेप्ट, देख सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एक्सेप्ट को प्रेस किया तो अभी आप देखें टास्क मैनेजर आपके यहाँ पे ओपन हो चुका है। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है कंट्रोल शिफ्ट एन। इससे क्या होता है, कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने के लिए, यदि मान लो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में नया फोल्डर बनाना चाहते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से, तो आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे एन का बटन। जैसे आप तीनों को एक साथ प्रेस करें तो आप देखेंगे आपके सामने इस तरह से फोल्डर, न्यू फोल्डर आ जाएगा। आप सिंपली इसको रीनेम करके कोई नेम भी दे सकते हैं। बस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है बहुत ही ओएस के, ये कोई शॉर्टकट की नहीं है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इससे क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जैसे आप मान लो कंप्यूटर के सर्च बार में लिखकर एंटर करने पर कीबोर्ड को ओपन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपका जो भी कीबोर्ड है कीबोर्ड, यदि कीबोर्ड पर कोई बटन काम नहीं कर रहा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कीबोर्ड ला सकते हैं और अपने माउस से क्लिक करके उस बटन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे मुझे मान लो यहाँ पे कीबोर्ड लेके आना, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको मिनिमाइज करूँगा और जो सर्च बार है टाइप एड टू सर्च, इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड से लिखना होगा ओ एस के। ठीक है, इस तरीके से
सॉरी मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया, ओ एस के। जैसे आप ओ एस के लिखेंगे इसके बाद आपके सामने आएगा वन स्क्रीन कीबोर्ड, आपको अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस कर देना है। दोस्तों जैसे आप अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर यहाँ पे इस तरह से कीबोर्ड आ जाएगा। आप इसका यूज भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ए टू सर्च, अब मैं यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी टाइप करूँ तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पे टाइप हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप टाइप कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका एक सवाल होगा, आपका ये सवाल होगा जैसे मान लो हमारा कीबोर्ड बिल्कुल नहीं काम कर रहा तो हम क्या करें, तो हम ओएस के कहाँ से लेके आएंगे। डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं आपको सब बताऊँगा। तो आपको क्या करना, आपको सिंपली यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टार्ट बटन, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपको सेटिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे आप सेटिंग ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा यूज ऑफ एक्सेस, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देख सकते सबसे नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कीबोर्ड, आपको सिंपली कीबोर्ड पर ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख सकता है यूज वन स्क्रीन कीबोर्ड, आपको सिंपली इसको ऑन कर देना। दोस्तों जैसे आप इसको ऑन करेंगे तब भी आप अपने कीबोर्ड को इस तरीके से यहाँ पे अपने स्क्रीन पर लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों दो तरीके हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है वो तरीका आप यूज कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है विंडो टी। अब देखो विंडो टी हमारी क्या होती है, कंप्यूटर में टास्क बार पर जाने के लिए। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो ये मेरा टास्क बार है, ठीक है, नीचे वाला ये टास्क बार है, यहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ अपने कीबोर्ड की मदद से। तो मैं क्या करूँगा, मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा विंडो टी का बटन। जैसे मैं विंडो टी को प्रेस करूँगा देख सकते हैं मैं टास्क बार पर आ चुका हूँ। आप चार एरो की मदद से ऊपर नीचे करके किसी को भी ओपन कर सकते हैं, यदि आपका माउस काम नहीं कर रहा तो। तो मैं सिंपली और भी चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है विंडो प्लस प्लस, बहुत ही काम की कीबोर्ड शॉर्टकट की है, कंप्यूटर की स्क्रीन को जूम इन करने के लिए, ठीक है। और विंडो माइनस से आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन को जूम आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे मान लो आपकी कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो आपका ये आर्टिकल है, ठीक है, ये आर्टिकल है आपका और आप चाहते हो इसको जूम इन करना, आपको छोटा आर्टिकल आपको दिख नहीं रहा तो आपको क्या करना, आपको अपनी स्क्रीन को जूम इन करना यानी बड़ा करना। तो आप कैसे करेंगे चलो मैं आपको समझाता हूँ, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा विंडो के साथ प्लस का बटन, देख सकते हैं। जैसे मैं विंडो के साथ प्लस का बटन प्रेस करूँ तो अभी आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं मैग्नीफायर। अभी आप देखें यहाँ पे 100% है, आप माउस से यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस के आइकन को तब भी यहाँ पे जूम इन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कीबोर्ड से बताने वाला हूँ। तो आपको विंडो बटन को यहाँ पे प्रेस करके रखना है और आपको जो प्लस का आइकन है उसको आपको इस तरीके से प्रेस करना, देख सकते हैं। जैसे मैं प्रेस करते जाऊँगा प्लस के आइकन को आपका जो स्क्रीन है बड़ी होती चली जाएगी। अब मुझे जूम आउट करने के लिए माइनस बटन को यहाँ पे प्रेस करना हो तो आपकी छोटी होती चली जाएगी। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो यानी जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। बस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है विंडो प्लस ई। इससे क्या होता है, कंप्यूटर में फाइल मैनेजर को ओपन करने के लिए, यानी कहने का मतलब है कंप्यूटर का जो भी आइकन होता है उसको आप ओपन कर सकते हो। चलो कैसे करें चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपका ये कंप्यूटर का ये वाला आइकन है, इसको ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा विंडो ई का बटन। जैसे मैं कीबोर्ड से विंडो ई का बटन प्रेस करूँ तो अभी आप देखेंगे आपके सामने इस तरह से कंप्यूटर का आइकन इस तरह से ओपन हो जाएगा। बस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है विंडो प्लस एक्स। इससे क्या कर सकते हैं, तो गाइस कंप्यूटर में मोबाइलिटी सेंटर को ओपन कर सकते हैं। ये क्या होता है चलो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ विंडो एक्स का बटन, जैसे मैं विंडो एक्स का बटन प्रेस करूँगा इससे क्या होता है, देखो इससे आपके सामने सारी चीज़ आ जाती है। जैसे आपको रन कमांड ओपन करना होगा, फाइल एक्सप्लोर ओपन करना होगा, सेटिंग ओपन करनी है, टास्क मैनेजर ओपन करना है, यानी एक तरीके से जो ऑप्शन होते हैं ना, एक ऑप्शन एक शॉर्ट बन जाता है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आपको ऐप्स को ओपन करने हैं वगैरह, कंप्यूटर मैनेजमेंट करना है, डिस्क मैनेजमेंट करना, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ऐसे इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है विंडो प्लस यू। इससे क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में ईज ऑफ एक्सेस को ओपन कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया था। जैसे मैं प्रेस करता हूँ विंडो यू का बटन, जैसे मैं विंडो यू के साथ दोनों को बटन को प्रेस करूँ तो अभी आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। वैसे इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है, वो आती है राइट शिफ्ट फॉर 8 सेकंड। देखो इससे क्या होता है, फिल्टर की आपकी ओपन हो जाती है। अब देखो फिल्टर की मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ राइट सेकंड को आपको राइट शिफ्ट को आपको 8 सेकंड तक प्रेस करके रखना। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रेस करता हूँ राइट सेकंड को, ठीक है, राइट शिफ्ट को 8 सेकंड तक प्रेस करके रखता हूँ। तो गैस मैंने यहाँ पे लेफ्ट को दबा के रखा था इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। मैंने यहाँ पे राइट शिफ्ट को यहाँ पे 8 सेकंड तक यहाँ पे प्रेस करके रखता हूँ, देख सकते हैं। जैसे मैंने 8 सेकंड तक प्रेस करके रखा तो आप देखेंगे यहाँ पे फिल्टर की यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप देखो फिल्टर की मारा होता क्या है दोस्तों, चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं फिल्टर की लेट्स
इग्नोर, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखाई मिल जाएगा। आप सिंपली आप देख सकते हो स्लो डाउन द वगैरह आपको चीज़ें मिल जाएंगी, कीवर्ड रिपीट वगैरह। देखो चलो मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ होती है फिल्टर की, तो मैं सिंपली यस कर देता हूँ। जैसे मैंने यस किया, चलो मैं आपको अब समझाता हूँ। जैसे देखो, जैसे मैं आपको एम एस वर्ड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जैसे एम एस वर्ड ओपन करके मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया आर ए एच यू एल, ठीक है, तो आपका ज़्यादातर क्या होता है, जैसे मैंने आर बटन को यहाँ पे प्रेस करके रखा, तो देखो जब आप फिल्टर की ऑन नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे आर बटन कभी कभी यहाँ पे दबा रह जाता है, तो इससे क्या होता है आपके यहाँ पे आर आर लिखा हुआ आता है। तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पे एक बार आर को प्रेस करेंगे, भले ही आप आर बटन को दबा के रखो, आपका एक ही बार आर आएगा, बार बार आर नहीं आएगा। इसी तरीके से आप कोई भी बटन प्रेस करें तो आपका एक ही बार यहाँ पे लिखा जाएगा। गलती से क्या होता, कभी कभी दोस्तों क्या होता, हम यहाँ पे प्रेस करते जो हमारा बटन होता दबा रह जाता है, और यहाँ पे बार बार वो चीज़ें लिखी आती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं आर बटन को यहाँ पे दबाए देख सकते हैं, जितनी बार मैं यहाँ पे दबाऊंगा उतनी बार आएगा, बार बार नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिल्टर की को यहाँ पे ऑन करते हैं तो आपका यहाँ यूज कर सकते हैं। देखो फिल्टर की को अब आप सिंपली डिसेबल करना, तो डिसेबल आप कैसे कर सकते हैं, वही शॉर्टकट की आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलो मैं आपको समझाता हूँ, यदि आपको डिसेबल करना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं फिल्टर की को, तो आप कैसे करेंगे, आपको फिर से यहाँ पे राइट शिफ्ट को 48 सेकंड तक प्रेस करना होगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे दोस्तों पहले मैंने यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट को दबा के रखा था, मुझे ध्यान नहीं रहा था, ठीक, मैं सिंपली राइट शिफ्ट को यहाँ पे 8 सेकंड तक प्रेस कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया, अभी देखो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा। देख सकते हो दोस्तों, जैसे मैं प्रेस करके रखूँगा अब देखो ऑप्शन आपके सामने आ गया होगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं, चलो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, देख सकते हैं। देखो अभी आपका ये डीएक्टिवेट हो चुका है, आपको पता नहीं रहेगा, ठीक है, यदि आपके साउंड है तो आपकी आवाज़ आएगी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं यहाँ पे आर बटन को प्रेस करता हूँ और दबा के रखता हूँ, देख सकते हैं, जैसे मैं दबा के रखूँ देख सकते हैं आर मेरी यहाँ पे बनती हुई जा रही है। पहले क्या हो रहा था, हमने फिल्टर की को ऑन किया था, तो आप एक बटन को एक बार प्रेस करेंगे, जितनी बार प्रेस करेंगे तब आएगा, बार बार नहीं आएगा। कभी कभी बटन दबे रहते हैं तो वहाँ पे छपते जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें दोस्तों आपके समझ में आनी चाहिए। कैसे, इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है, बहुत ही शिफ्ट 5 टाइम प्रेस। यदि आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को 5 टाइम प्रेस करके रखेंगे तो आप स्टिक की को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब देखो स्टिक किया होती है, चलो मैं आपको समझाता हूँ आपको क्या करना, आपका जो शिफ्ट है, शिफ्ट बटन को आपको 5 टाइम प्रेस करना, 5 यानी 5 बार आपको दबा के रखना है, ठीक है, सॉरी दबाना 5 बार। चलो मैं दबाता हूँ, 1 2 3 4 5, जैसे मैंने 5 बार दबाया देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से स्टिक की। अब देखो स्टिक की क्या होती है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, देखो चलो मैं आपको समझाता हूँ इसका प्रैक्टिकली, मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मैंने यस कर दिया, देखो क्या होता है, ये स्टिक की होती है, बड़े ही मज़ेदार है। जो लोग यहाँ पे अपने मान लो किसी का एक हाथ वगैरह है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो मान लो किसी की एक उंगल है वगैरह, तो वो आप एक साथ यहाँ पे बटन नहीं दबा पाता। चलो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये चीज़ है, मान लो इसे मुझे कॉपी करनी है, तो कॉपी करने के लिए क्या कीवर्ड शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस सी, यानी आपको एक साथ यहाँ पे प्रेस करनी होगी कंट्रोल प्लस सी, तभी आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। लेकिन आप स्टिक की को ऑन कर लोगे तो आपको ये नहीं करना, आपको क्या करना, पहले आपको कंट्रोल बटन को दबाना, फिर आपको सी बटन को दबाना, तो आपकी कॉपी हो जाएगी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने दबा दिया, दबाने के बाद मैं नीचे आता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखो आपको पेस्ट करना है, पेस्ट करने का वही तरीका रहेगा, आपको क्या करना है कंट्रोल बटन को दबाना और वी बटन को दबाना। देख सकते हैं मेरा पेस्ट हो चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप सिंपली आप पेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल बटन को दबाया और वी बटन को दबाया, इस तरीके से देख सकते हैं। और पहले क्या होता था, जब हमने स्टिकी को ऑन नहीं किया था तो हम दोनों को एक साथ प्रेस करते थे, यानी कंट्रोल बटन को और यहाँ पे सी बटन को। तो यदि आपको ये दिक्कत आती है, जैसे आप एक साथ प्रेस नहीं कर पाते, या मान लो आपका एक फिंगर है, तो आप यहाँ पे स्टिकी को ऑन कर सकते हैं और आप ये काम कर सकते हैं। कैसे, इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से क्या करना होगा, जो आपका शिफ्ट है, शिफ्ट को आप 5 बार फिर से प्रेस कीजिए। चलो मैं प्रेस करता हूँ, 1 2 3 4 5, तो आपका डीएक्टिवेट हो चुका है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो मैं आपको डीएक्टिवेट करने के लिए हो गया होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल दबाता हूँ, सी बटन दबाता हूँ, देखो कॉपी मारा नहीं हुआ, हट चुका, ठीक है, सी बटन जैसे मैंने दबाया प्रेस यहाँ पे आने जो लाइन थी वो हट चुकी है। तो देखा दोस्तों आपने जितनी हमारी बेसिक कीवर्ड शॉर्टकट की थी उसके बारे में दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया। दोस्तों अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो भी हमारी कंप्यूटर की शॉर्टकट की होती है, जैसे कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके। चलो मैं आपको दिखा, जो भी गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ कंट्रोल के ए टू जेड कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। गाइस मैंने यहाँ पे ए टू जेड कीबोर्ड शॉर्टकट के सारे लिख के रखे ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरह कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, मैं आपको सबसे नीचे लेके चलता हूँ। सबसे नीचे आएंगे दोस्तों आप यहाँ पे, जिस तरह 26
कंट्रोल जेड यानी ए टू जेड कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। गाइस सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यदि आप बिगिनर हैं तो आपको एक चीज़ का याद रखना होगा, जैसे मैं आपसे बोलूँगा आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस ए, तो आपको कैसे प्रेस करना होगा, जो नए हैं उनको नहीं पता होगा। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला आपको प्रेस करना कंट्रोल प्लस ए, तो वो क्या करें, कंट्रोल बटन को दबाएंगे और प्लस बटन को दबाएंगे और ए को दबाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना। जो नए हैं उनके बारे में दोस्तों बता रहा हूँ, जो पुराने हैं उनको तो पता होता है, तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, मैं आपसे बोलूँगा आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना कंट्रोल प्लस ए, तो आपको कैसे प्रेस करना, आपको कंट्रोल बटन को दबा के रखना और आपका जो ए बटन है उसको आपको दबा के रखना है, दोनों को आपको दबा के रखना एक साथ, तो आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना आपने यहाँ पे कंट्रोल बटन को दबाया और आपने यहाँ पे प्लस बटन को दबाया और आपने यहाँ पे ए बटन को दबाया, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। जो नए हैं उनके बारे में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, तो दोस्तों आइए शुरू करते आज की वीडियो और मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ ए टू जेड कीबोर्ड शॉर्टकट की के बारे में, तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। गाइस नंबर वन पे आता हमारा कंट्रोल प्लस ए यानी सेलेक्ट ऑल, इसका मतलब क्या होता है देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जैसे मान लो मेरा पैराग्राफ है या मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप एक साथ में सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी जो भी पेज पर होगा वो एक साथ में सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मेरा पैराग्राफ है और यहाँ पे इमेज है, तो मैं इनको एक साथ में सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल के साथ ए बटन को, तो मैं सिंपल यहाँ पर प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस ए। जैसे मैंने दोनों को एक साथ प्रेस किया देख सकते हैं, मेरे यहाँ पर इमेज भी सिलेक्ट हो चुका और जो मेरा टेक्स्ट था पैराग्राफ था वो भी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए को प्रेस कर सकते हैं। गाइस इसके बाद नंबर टू पे आता है कंट्रोल बी बोल्ड। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो आपका पैराग्राफ है देख सकते हैं इस तरीके से, यदि आप अपने पैराग्राफ को बोल्ड करना चाहते हो तो आपको क्या करना, आपको उस पैराग्राफ को इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल बी इस तरीके से। जैसे मैं कंट्रोल बी को प्रेस कर रहा हूँ देख सकते हैं मेरा जो पैराग्राफ था बोल्ड हो चुका है, गहरा हो चुका है, तो यदि आप करना चाहते तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस नंबर तीन पे आता है कंट्रोल सी कॉपी। अब देखो कॉपी क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बता दूँ इसका मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी डेटा या मान लो किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे ऊपर वाला आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से मेरा पैराग्राफ है, सिंपली मैंने इसको कर दिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको कॉपी करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल सी। जैसे मैं कंट्रोल सी को प्रेस करूँगा मेरा डाटा कॉपी हो जाएगा, मेरा पैराग्राफ कॉपी हो जाएगा। अब देखो दोस्तों आपने कॉपी तो यहाँ पे कर लिया, अब आप बोले कॉपी करने से होगा क्या, तो गाइस मैं आपको बता दूँ कॉपी करके आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे नीचे आता हूँ यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक किया और मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल वी। जैसे मैं कंट्रोल वी को प्रेस करूँ देख सकते हैं जो मेरा पैराग्राफ था यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप किसी भी पैराग्राफ को कॉपी करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल सी। गाइस इसके बाद नंबर फोर पे आता है कंट्रोल डी, इसका मतलब क्या होता है फॉन्ट। अब गाइस मैं आपको बता दूँ आप यहाँ पे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं एमएस वर्ड में हूँ तो मुझे क्या करना है, जैसे मान लो मुझे फॉन्ट का यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल डी। जैसे मैं कंट्रोल डी को इस्तेमाल करूँगा प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरा जो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स होगा इस तरीके से ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे आप यहाँ पे फॉन्ट की स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फॉन्ट का साइज आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे और भी यहाँ पे इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं देख सकते हैं। आपको नीचे भी मिल जाएगी स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और ऊपर आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे करेक्टर स्पेसिंग, आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके जो आपने फॉन्ट लिखा है उसके यहाँ पे स्पेस आगे पीछे कर सकते हैं, पोजिशन को सेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो हमारा कंट्रोल डी है उससे आप फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन तो कर सकते हैं लेकिन उससे आप डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। जैसे मान लो आपका ये इमेज है, जैसे मैंने यहाँ पे फोटोशॉप का इमेज लेके रखा है, मान लो आपको इसको डुप्लीकेट बनानी है, आप कॉपी करके पेस्ट नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट इसकी डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, आपको एक बार इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल डी। जैसे मैं कंट्रोल डी को प्रेस करूँ देख सकते मेरी डुप्लीकेट एक और बन जाएगी, देख सकते इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो दोस्तों कंट्रोल डी का मतलब क्या होता है, आप किसी भी डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। तो गाइस आपके समझ में आ गया होगा।
गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता है नंबर 5 कंट्रोल ई सेंटर। अब ये क्या होता है गाइस, जैसे मैं आपको बता, जैसे आपका ये पैराग्राफ है, यदि आप अपने पैराग्राफ को पेज के सेंटर में रखना चाहते हैं, यानी कहने का मतलब बीच में रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उस पैराग्राफ को इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल ए। जैसे मैं कंट्रोल के साथ ई को प्रेस करूँगा, देख सकते हो जो मेरा पैराग्राफ था सेंटर में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। आपको इसको सही करने के लिए आप दोबारा से अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे कंट्रोल जेड, तो आपका पैराग्राफ ये सही हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे आप सेंटर में कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता है नंबर 6 कंट्रोल एफ फाइंड। अब देखो फाइंड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पैराग्राफ है, इसमें से आप किसी भी वर्ड किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना चाहता हूँ, तो आप आसानी से इस पैराग्राफ में से ढूंढ सकते हैं। चाहे कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो, चाहे कितना भी बड़े यहाँ पे डॉक्यूमेंट हो, उसमें से आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कोई भी चीज़ ढूंढ कर दिखाता हूँ, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसको मैं ढूंढ के दिखाता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे लिखा है वैन योर क्रिएट को मैं यहाँ पे ढूंढ के दिखाता हूँ, पिक्चर को ढूंढ के दिखाता, किसी को भी आप ढूंढ के दिखा, आपको ढूंढना, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल ऐप। जैसे मैं कंट्रोल ऐप को प्रेस करूँगा, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप जो भी वर्ड या मान लो जो भी चीज़ आप ढूंढना चाहते हैं आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे ढूंढना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ प्रेस कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया डॉक्यूमेंट को मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना, ढूंढने के लिए आपको यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ये दोस्तों आप यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देख सकते हैं आपके सामने डॉक्यूमेंट इस तरीके से आ जाएगा। और इस पैराग्राफ में कितने डॉक्यूमेंट हैं, तो आपको यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे, तो आपको इस तरीके से जैसे फाइंड आप नेक्स्ट करेंगे, देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगे, जितने भी इसमें पैराग्राफ होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे, सॉरी जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट होंगे वो आपके सामने हाईलाइट हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से सिंपली आप हाईलाइट कर सकते हो। इसके बाद आपको मान लो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया फाइंड का मतलब क्या होता है। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता है नंबर 7 कंट्रोल जी गो टू। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बता दूँ, देखो जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं एमएस वर्ड में मैंने यहाँ पे कई सारे पेज ले रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेज पर आप जाएंगे तो एक वन ऑफ थ्री, यानी मैंने इसमें तीन पेज लेके रखे हैं। तो मान लो आप डायरेक्ट किसी पेज पर जाना चाहते हैं, दो पर जाना चाहते हैं, तीन पर जाना चाहते हैं, वन पर जाना चाहते हैं, मान लो आपने अपने एमएस वर्ड में 500 पेज ओपन करके रखे हैं, 50 पेज का आपने कोई फाइल बना के रखी है और आपको जाना है 26 पेज पर, तो आप इस तरीके से यहाँ पे कर्जर लेके स्क्रॉल इस तरीके से करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप गो टू का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैं 3 नंबर पेज पर जाना, तो मैं क्या करूँगा, अभी देख सकते मैं पेज नंबर 1 पर हूँ, तो मुझे क्या करना, मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल जी। जैसे मैं कंट्रोल जी को प्रेस कर रहा हूँ, देख सकते हैं मेरे सामने इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो पेज, आपको सिंपली पेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा। यदि मान लो आप पेज के ऊपर जाना चाहते हो तो पेज के ऊपर क्लिक कर सकते हो, और भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। डायरेक्ट आप किसी लाइन पर जाना चाहते हो, सिलेक्शन पर जाना चाहते हो, बुक मार्क पर जाना चाहते हो, फुट नोट पर जाना चाहते हो, आप आसानी से जा सकते हैं। मैं आपको पेज के ऊपर जाना सिखा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे पेज के ऊपर क्लिक किया। इसके बाद जैसे मान लो मुझे यहाँ पे 3 नंबर पेज पर जाना है, तीसरे वाले पेज पर जाना है, तो मैं यहाँ पे 3 नंबर टाइप कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे कर दूँगा गो टू। जैसे मैं गो टू प्रेस करूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं मैं तीसरे वाले पेज पर आ चुका हूँ, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हूँ। मैं आपको नीचे दिखा दूँ, देख सकते हैं पेज 3 of 3। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे मान लो मैं 1 वाले पेज पर जाना चाहता हूँ, फर्स्ट वाले पेज पर जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे टाइप कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे गो टू कर दूँगा, देख सकते हैं मैं नंबर पहले पर पेज पर आ चुका हूँ, नंबर फर्स्ट वाले पेज पर आ चुका हूँ। तो गाइस आपको समझ में आ गया गो टू का मतलब क्या होता है। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता नंबर 8। नंबर 8 पर है गाइस हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस। अब देखो ये क्या होता है, जैसे गाइस मान लो आपने जो मैंने अभी आपको बताया था कंट्रोल ऐप यानी फाइंड, आपने कोई भी चीज़ फाइंड की थी, फाइंड करने के बाद मान लो आपने पैराग्राफ में से कोई भी चीज़ ढूंढ ली, ढूंढने के बाद उसके स्थान पर आप और कोई चीज़ लिखना चाहते तो आप आसानी से लिख सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल एच, जैसे मैंने यहाँ पे की कंट्रोल एच, जैसे मैंने फाइंड किया था डॉक्यूमेंट, ठीक, डॉक्यूमेंट के स्थान पर आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, जो भी आपका पैराग्राफ में जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट होगा उसके स्थान पर आप क्या लिखना चाहते हैं और कोई चीज़ लिखना चाहते हो तो आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के स्थान पर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहता हूँ राहुल। इसके बाद आपको क्या करना है,
आपको सिंपली यदि आप रिप्लेस करेंगे तो आपका नंबर वन वाई बन करके होगा। यदि आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जो आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ में जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट होंगे, जितनी बार डॉक्यूमेंट लिखा होगा, सारे सबके स्थान पर आपका जो भी मैं नाम यहाँ पे लिखा है राहुल वो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा था राहुल हो चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता नंबर 9। दोस्तों नंबर 9 पे कंट्रोल आई। अब देखो कंट्रोल आई हमारे क्या होते हैं, इटैलिक। इटैलिक हमारे क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बताऊँ, जैसे हमारा ये पैराग्राफ है, इसमें से आप किसी भी वर्ड, किसी भी टेक्स्ट या किसी भी पैराग्राफ को इटैलिक करना चाहते हैं, तिरछा करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, आपको सबसे पहले उसको यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल आई। जैसे मैं कंट्रोल आई को प्रेस करूँगा, देख सकते हो जो मेरा पैराग्राफ था इटैलिक हो चुका है, तिरछा हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे तिरछा कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता नंबर 10। नंबर 10 पे गाइस आता हमारा कंट्रोल जे, यानी जस्टिफाई। अब देखो ये क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लो आपका ये पैराग्राफ है आपका, आपने इसमें मान लो बहुत सारी चेंजिंग करके रखी है, जैसे आपने इसमें इटैलिक करके रखा है, मान लो आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें करके रखी हैं, तो आप उसको कैसे, मान लो जो जैसे पहले था वैसे आप कैसे करेंगे, तो आप जस्टिफाई करके आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये वाला मेरा पैराग्राफ है, ठीक, इसको मैं पहले लेफ्ट में ले जाता हूँ, लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में ले जाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल एल से क्या होता है, लेफ्ट साइड में चला जाता है। कंट्रोल ई करूँगा, ये मेरा सेंटर में हो चुका है। देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, सेंटर में आ चुका है। अब दोस्तों मान लो आपको जस्टिफाई करना है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे को प्रेस करना होगा। इससे क्या होता है, आपका पैराग्राफ पहले जैसा था वैसा हो जाता है। देख सकते हैं पहले जो मेरा पैराग्राफ था लेफ्ट साइड में, वो इस तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है। तो गाइस आपके समझ में आ गया होगा जस्टिफाई का मतलब क्या होता है। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता नंबर 11, कंट्रोल प्लस के, हाइपर लिंक। अब देखो ये क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बता दूँ, आप अपने एमएस वर्ड में हाइपर लिंक यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये मेरा ऑन द है, ठीक है, ऑन को मैं यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ, हाइपर लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल के, तो मैंने सिंपली यहाँ पे कंट्रोल के को प्रेस कर दिया। अब मान लो आप इससे क्या लिंक करना चाहते हैं, कोई फाइल लिंक करना चाहते हैं, इमेज लिंक करना चाहते हैं, आप इससे कुछ भी लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ से कोई फाइल लिंक करके दिखाता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा फाइल के ऊपर, और डेस्कटॉप पर दोस्तों एक फाइल है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कंट्रोल वाली, ठीक है, यानी कंप्यूटर कंट्रोल A to Z कीबोर्ड शॉर्टकट की। इसको मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपको दोबारा से यहाँ पे ओके करना है। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे जो हमारा ऑन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं ON, ये मेरा इस तरीके से यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। यदि मैं इसके ऊपर यहाँ पे कर्जर ले आता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आपको हाईलाइट होके आता है, यहाँ पे आपको लिखा आता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी आपको यदि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है। जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे, आपके सामने इस तरीके से आप देख सकते हैं हाईलाइट हो जाएगा। अब आपको सिंपली इस तरीके से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे यस करना है। जैसे आप यस करेंगे, देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे फाइल बना के रखी थी, जिसको मैंने यहाँ पे लिंक किया था, इस तरीके से ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं कंट्रोल A to Z कीबोर्ड शॉर्टकट की। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता नंबर 12। नंबर 12 पे दोस्तों आता आपके सामने कंट्रोल प्लस L, यानी टेक्स्ट लेफ्ट। देखो इसका मतलब क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बता, जैसे आपका ये पैराग्राफ है, किसी भी पैराग्राफ को आप लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एल को प्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मेरा पैराग्राफ है, जैसे मान लो आपका जो पैराग्राफ है ये मान लो राइट साइड में, मैंने यहाँ पे कंट्रोल आर कर दिया, राइट साइड में हो चुका, देख सकते हैं इस तरीके से राइट साइड में। यदि आप इसको लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल एल। जैसे आप कंट्रोल एल को प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं आपका जो पैराग्राफ है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो गाइस आपके समझ में आ गया होगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की आती है नंबर 13, कंट्रोल प्लस M। देखो इससे क्या होता है, इंडेंट पैराग्राफ लेफ्ट। तो गाइस मैं आपको बता, जैसे मान लो आपका ये पैराग्राफ है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल M,
जैसे मैं कंट्रोल एम को प्रेस करूँ तो आपका जो पैराग्राफ है लेफ्ट साइड में जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से लेफ्ट साइड में आ चुका है जैसे कि आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। या मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ये सही हो जाएगा। और मैं आपको दिखा दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर क्लिक किया ऑन के ऊपर इस तरीके से ऑन के जस्ट बगल में, इसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल एम करता हूँ, देख सकते जो मेरा पैराग्राफ था लेफ्ट साइड में जा रहा है। दोबारा से मैं थोड़ा और यहाँ पे प्रेस करूँ कंट्रोल एम, देख सकते लेफ्ट साइड में जा रहा है। यानी जितनी बार आप यहाँ पे प्रेस करेंगे आपका जो पैराग्राफ होगा वन बाई स्टेप बाई स्टेप करके लेफ्ट साइड में जाएगा। देख सकते हो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ वो लेफ्ट साइड में यहाँ पे जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे कंट्रोल एम का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता नंबर 14 कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपका ये एम एस वर्ड है, इसमें यदि मान लो आप एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं, एक नया पेज लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल एन। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल एन। जैसे मैं कंट्रोल एन को प्रेस कर दे सकते हैं आपको दिखाई दे रहा हो जो मेरा नया पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं सिंपली इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। दोस्तों इस तरीके से आप अपने एमएस वर्ड में नया पेज ओपन कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यदि मान लो आप यहाँ पे एमएस वर्ड में नया पेज ओपन कर रहे हैं तो आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ गाइस मैं आपको बता दूँ, अब आपके सामने दोस्तों नेक्स्ट कीवर्ड शॉर्टकट के आते हैं नंबर 15 कंट्रोल प्लस ओ यानी ओपन। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई भी फाइल बना के रखी है, सेव करके रखी है, आप उसको यहाँ पे ओपन करना चाहते हो, खोलना चाहते हो एमएस वर्ड में, तो आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ, तो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मान लो कोई भी मैंने यहाँ पे एक फाइल बना के रखी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कंट्रोल के साथ ओ को यहाँ पे प्रेस करूँगा। जैसे मैं कंट्रोल के साथ ओ को प्रेस करूँगा देख सकते हैं मेरे सामने इस तरीके से यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे ढूंढना है कि आपने जो फाइल यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं आपकी फाइल कहाँ पर है। तो मैं सिंपली डेस्कटॉप पर यहाँ पे क्लिक करूँगा। डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी फाइलें होंगी डेस्कटॉप पर इस तरीके से आ जाएंगी, जैसा कि आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं इस तरीके से जो आपकी फाइल थी कंप्यूटर कंट्रोल वाली, देख सकते हैं ये वाली फाइल है, इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और ओपन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देख सकते हैं मेरी फाइल यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता हमारा कहाँ तक हो चुका था 15 तक। गाइस आपके सामने नेक्स्ट आता 16 कंट्रोल प्लस पी प्रिंट। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट इस तरीके से बना के रखा है और आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल पी। जैसे मैं कंट्रोल पी को प्रेस करूँगा मेरे सामने इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से। इसमें आपको बहुत सारी सेटिंग है, आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं आप कितनी यहाँ पे कॉपी निकालना चाहते हैं, आपके यहाँ पे करंट पेज कितने चाहिए, ठीक है पेजेस कितने चाहिए वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे पेज वगैरह रेंज वगैरह सेट कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग आप साइज कितना चाहिए वो भी आप यहाँ पे सेट, सीट कितनी चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद दोस्तों यदि आपका प्रिंटर अटैच होगा तो आप ओके कर देंगे तो आपकी जो प्रिंट निकलना चालू हो जाएगी। और भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो बहुत सारे यहाँ पे सेटिंग आ जाती हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता नंबर 17 कंट्रोल प्लस क्यू रिमूव। अब देखो ये क्या होता है, किसी भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मैंने दोस्तों मैं आपको बताया, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बन लिखा और मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखता हूँ, जैसे मैंने इस तरीके से लिखा और एंटर, देख सकते हैं इस तरीके से मेरे जो पैराग्राफ एक बनना है, यानी जो मेरी लाइन बननी है इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो ये मेरी जो पैराग्राफ है यहाँ पे बन चुका है, देख सकते 1, 2, 3, 4, 5 से लिस्ट बन चुकी है। यदि मान लो आपकी जो भी फॉर्मेटिंग है जो 1, 2, 3 है इसको आप हटाना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल क्यू। जैसे मैं कंट्रोल के साथ की को प्रेस करूँ देख सकते हैं ये मेरी हट जाएगी, वापस से आप कंट्रोल जेड करेंगे तो आप वापस से आपकी आ जाएगी। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता नंबर 18 कंट्रोल प्लस आर राइट। अब देखो ये क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बताऊँ, जैसे आपका ये पैराग्राफ है, जैसे मेरा नीचे पैराग्राफ है ये वाला, ठीक है ये वाला पैराग्राफ है, यदि मान लो आप इसको राइट में ले जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना, आपको इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा इस तरीके से और आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल आर। जैसे मैं कंट्रोल आर को प्रेस कर रहा हूँ देख सकते हैं जो मेरा ये इमेज लिस्ट थी वो राइट में आ चुकी है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं जैसे मैंने आपको बता दिया कंट्रोल के साथ एल को प्रेस करें लेफ्ट में हो जाएगी, यदि आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल साथ ई को प्रेस करेंगे आपकी सेंटर में हो जाएगी, यदि आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल साथ जे को प्रेस करना हो, जैसे इन सब के बारे में आपको बता ही दिया है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आते हैं नंबर 19 कंट्रोल प्लस एस सेव। अब देखो ये क्या होता है,
जैसे मान लो आपका एक पैराग्राफ है, आपने कोई भी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी बनाया है, यदि आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल एस। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल एस। जैसे मैं कंट्रोल एस को प्रेस कर रहा हूँ, देख सकते हैं मेरे सामने इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा, आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। अब आप इस फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर करना चाहते हैं या आप किसी फोल्डर में करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पर करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप को ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे फाइल नेम, जो भी आप नेम देना चाहते हैं नेम दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता हमारा 20 कंट्रोल टी हैंगिंग। अब देखो ये क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बता दूँ इसका मतलब होता क्या है। देखो जैसे हमारा ये पैराग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से हमारा पैराग्राफ है। जैसे मैंने इसको कर दिया यहाँ पे सिलेक्ट इस तरीके से, दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं मैंने इसको कर दिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यदि मान लो आपका जो आपको हैंगिंग करनी है किस तरीके से, तो आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो कंट्रोल टी। कंट्रोल टी थी, एक बार देख लेते हैं, इसमें याद नहीं रहा, ठीक, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कौन सा वाला हमारे यहाँ पे, हाँ 20 कंट्रोल टी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रेस करने हो कंट्रोल टी। जैसे आप कंट्रोल टी को प्रेस करें, देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ वो तो आपका ऐसे ही रहेगा, और जो आपका लास्ट वाला पैराग्राफ है, देख सकते हैं मैं आपको दिखाया था, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट वाला पैराग्राफ था वो तो आपका जैसा था वैसे रहेगा, जो आपके बाकी के पैराग्राफ वो आपके इस तरीके से यहाँ पे यानी लेफ्ट साइड में जाना चालू हो जाएंगे, हैंगिंग चालू हो जाएगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब होता क्या है। जैसे मैं आपको और भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ, गाइस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, जूम हो चुका है यहाँ पे पेज, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कर लिया। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हैंगिंग इस तरीके से यहाँ पे चालू हो जाती है। मैं आपको और भी यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल टी, देख सकते हैं आपके जो भी पैराग्राफ यहाँ पे लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे हैंगिंग कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दूंगा, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता हमारा, कहाँ तक हो गए थे एक बार गाइस मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यानी 20 तक। इसके बाद गाइस हमारे सामने आता 21 कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन। अब देखो ये क्या होता है, तो गाइस मैं आपको तो इसका मतलब ये होता है, जैसे आपका कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ के नीचे कोई भी अंडरलाइन देना चाहते हैं, किसी टेक्स्ट के नीचे कोई लाइन खींचना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे कर दिया सिलेक्ट, इस पैराग्राफ के नीचे में लाइन खींचना चाहता हूँ, जो भी वर्ड लिखे हैं ना इसके नीचे लाइन खींचना चाहता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल यू। जैसे मैं कंट्रोल यू को प्रेस कर रहा हूँ, देख सकते हैं इन सब के नीचे लाइन इस तरीके से आ जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा तो वापस से हट जाएगी। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता हमारा, कहाँ तक हो गए थे, 20 21। इसके बाद गाइस आपके सामने नेक्स्ट आता 22 कंट्रोल प्लस वी पेस्ट। अब देखो पेस्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में, यानी जब मैंने कॉपी किया था तब मैंने आपको बताया था पेस्ट करने के लिए, यानी किसी भी जो भी आपने डेटा कॉपी किया उसको पेस्ट करने के लिए। फिर भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो आपकी ये लिस्ट है, इस लिस्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको इसको कॉपी करना होगा, तो मैं सिंपली इसको कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब आप कहाँ पर इसको पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं सबसे नीचे आता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ से डुप्लीकेट बनके यहाँ पर आ चुके, पेस्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट को भी आप यहाँ पे कॉपी करेंगे तो उसको भी आप पेस्ट कर सकते हैं। वैसे इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता 23 कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो आपका एक पैराग्राफ है, ठीक है, आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डब्ल्यू को प्रेस करना होगा। जैसे मैं पहले सबसे पहले इसको यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एक नया पैराग्राफ यहाँ पे खोल के और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको आपको यहाँ पे क्लोज करके दिखाता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू करूँगा और आपको यहाँ पे नो कर देना है। यदि आप सेव करना चाहते हो तो यस करेंगे, या तो आप नो कर देंगे। जैसे आप नो करें, जो आपका फर्स्ट वाला पैराग्राफ था, जो पेज था, वो यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता हमारा 23 24 कंट्रोल प्लस एक्स। अब देखो ये क्या होता, कट। कट का मतलब दोस्तों ये होता है किसी भी डेटा, किसी भी टेक्स्ट को वहाँ से कट करने के लिए, हटाने के लिए, हट जाएगा, लेकिन आप कहीं भी पेस्ट करो तो पेस्ट भी हो जाएगा, एक तरीके से मूव करने के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारी ये दो लिस्ट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर, इस तरीके से मैंने इसको कर दिया सेलेक्ट। इसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल एक्स। जैसे मैंने कंट्रोल एक्स प्रेस किया, देख सकते हैं यहाँ से कट हो चुकी है। अब मैं सबसे ऊपर यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर आ चुका हूँ इस पेज पर,
यहाँ पर आ चुका हूँ। मैंने यहाँ पे एंटर किया और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँगा, देख सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल वी की देख सकते हैं, वहाँ से मेरा कट हो चुका है और यहाँ पर बीच में आ चुका है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कंट्रोल एक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा किसी भी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। गाइस इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट आता हमारा 25 कंट्रोल प्लस वाई रीडू। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो मैं पहले आपको कंट्रोल जेड समझाता हूँ, इसमें 26 हमारा कंट्रोल जेड अंडो। देखो अंडो के द्वारा जो आप यहाँ पे चेंजिंग करेंगे वो आप रीडो के द्वारा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दो लिस्ट है, ठीक है, आपको मैं समझाता हूँ। दो लिस्ट है, इसको मैंने क्या किया यहाँ पे डिलीट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कर दिया डिलीट। डिलीट करने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड किया, देख सकते हैं मेरे वापस आ चुके हैं। अब मैंने दोबारा से यहाँ पे किया कंट्रोल जेड, दोबारा से कर दिया तो वापस से जा चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ कंट्रोल बाय कर दूंगा, जैसे मैं कंट्रोल बाय करूँगा ना दोबारा से यहाँ पे वापस आ जाएंगे। कहने का मतलब है जो चेंजिंग आप कंट्रोल जेड के द्वारा करेंगे, ठीक है, उसको आप वापस ला सकते हैं कंट्रोल बाय के द्वारा। जैसे मैं कंट्रोल बाय यहाँ पे दोबारा से करता हूँ तो दोबारा से आप यहाँ से चले जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन स्टेप का फॉलो करके आसानी से कर सकते हैं। गाइस इसके बाद जो हमारा लास्ट जो हमारा था देख सकते हो 26 यानी जो था कंट्रोल जेड यानी अंडो, इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। तो देखा दोस्तों आपने जितने भी हमारे कीबोर्ड शॉर्टकट के थे A to Z कंट्रोल के सभी मैंने आपको बता दिए।